أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء. موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ أَنَّ أه اللَّهَ آذَنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ ام على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ وَلَا تعملون مِنْ عمل إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إنّ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم ان العزه لله جميعا هو السميع العليم الا ان لله ما في السماوات وما في الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. صدق الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في مقام اخر إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال وأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم عليه अलहमदल्हबिलामिन अजीज़ी बेटी और अरब के अरबों खरबों एहसानात हैं जिस मालिक ने फिर एक दफ़ा से हमें ज़िंदगी सेहत ईमान और आफ़ियत के साथ तोफ़ी नसीब फरमाई और हमें अपनी रज़ा अपनी महब्बत अपने वसल अपने क़ुरब के लिए इकट्ठा किया इन तमाम नियमतों को अपने जहन में रखते हुए सज्जा शुक्र की कैफियात उस इसतज़ार इस 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 की कैफियत को सामने रखते हुए अपने दिल के अंदर एक नदामत एक हसरत एक तमन्ना और अपने गुनाहों के ऊपर अफसोस करते हुए अल्लाह के सामने हम झुक जाएं और बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला के सामने गिड़गड़ाएं, रोएं, माफ़ियाँ मांगें कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर हमारे गुनाहों के बावजूद एहसानात कर दिए जितना इंसान अल्लाह ताला के आगे अपनी आज दिन कसारी को ज़ाहिर करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राहमतें उसे आके समेट लेती हैं तो अजीज से बेटियों हकीकी बात भी यही है ये यह सब कुछ जो कुछ भी है ये अल्लाह ताला का महज़ फजल और एहसान है हम में से कोई इस काबिल नहीं था कि जो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर इतने बड़े एहसान कर दिए इज़्ज़त और शान के साथ हम खाते पीते हैं और अल्लाह तबारक व ताली ने हमारे ऊपर इतनी बड़ी नेमत कर दी कि हमें कुरान मजीद को सीखने समझने के लिए बिठा दिया अगर हम इसकी न कदरी करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो हमारी जगह किसी और को लाकर बिठा देंगे माँ भी जब बच्चे को कोई चीज़ देती है तो उस वक्त वो देखती है कि बच्चे का रिएक्शन क्या है क्योंकि वो बहुत मेहनत करती है स्ट्रगल करती है और वो चाहती है कि उसको सराहा जाए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बिन मांगे और हिसाब नेमतें अता कर दी और सबसे बढ़ कर ये है कि हमें जो है शाबान जैसी मुक़दस ना फरमा दी और हम अल्लाह ताला से रो रो के वही दुआ कसरत के साथ मांगते चले जाएंगे अल्लाह मुबारिक लना फ़िर जब व शाबान और बल्लिगना रमदान और जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि इन शज़ीज़ इस दुआ का मकसूद क्या था अल्लाह ताला क्या चाहते हैं अल्लाह तबारिक व ने इन महीनों को क्यों मुक़दस किया क्यों हमारे लिए ये मुहतरम है हमने किस तरह से इनका अहतराम करना है और इन महीनों से सही तौर पर फ़ायदा उठाना है तो इन शह जितनी हमतन मतवज हो के वजु हो के किबला रुख हो के यसू हो के दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे हट कट के अल्लाह ताली के याद में डूबा करेंगी और ये सोचें ये मौका अल्लाह ताली ने गनी दिया है तमाम चीज़ों से कीमती चीज़ ये लम्हा हैं और ये लम्हात वैसे भी वापस दोबारा नहीं आया करते इस तरह से हम लोगों ने कल अपने औकात अपने वक्त की कदर और तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए हमने डिस्कस किया था कैसे अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना सकते हैं होपफुली हम उन तमाम चीज़ों को फ़कत सुन के कान पीछे नहीं फेंकेंगे बल्कि बार 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 उसको सुनेंगे उसके पॉइंट्स लेंगे और फिर अपनी ज़िंदगी में ख़ास ख़ास चीज़ें जैसे पाँच सात दस जितनी हम रोज़ाना कर सकते हैं उनका हम एक स्केजल सा बनाते चले जाएंगे कि इन शजीज़ आज के लेक्चर में मैंने ये वाली बात देखी मैंने अपनी ज़िंदगी में इन इन गुनाहों को छोड़ना है इन इन खैर के कामों को करना है इस तरीके से अपनी ज़िंदगी की तरतीब बनानी है तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बच्चियाँ इंतहाई मोहब्बत के साथ अपना कागज़ कलम ले कर बैठा करें और बच्चियों ने जैसे रिक्वेस्ट की थी जो हमारा कुरान मजीद है कुरानी मजीद अलहमदिल्ला काफ़ी बच्चियों ने तो ऑलरेडी चूँकि जो जैनब सेंटर की बच्चियाँ थीं उन लोगों को तो ऑलरेडी अंदाज़ा था तो उन्होंने ले लिया बाहर के लोगों ने रिक्वेस्ट की अभी उनके पास दो चार दिन में पहुँच जाएंगे इन श्ला तो इनतहा मोहब्बत से बैठें कि मेरे अल्लाह तला ने मुझे ज़िंदगी में इतना बड़ा एज़ाज़ दिया कि मैं अपने हाथ से किताब कुरान मजीद को लिख रही हूँ सुबह ये बेटा अभी आज हमें इसकी क़दर नहीं है आंखें बंद होने की देर है फिर पता चलेगा कि वाकई इन चीज़ों की कदर व कीमत क्या हुआ करती है क्योंकि आज हमारे सामने पट्टी बंधी हुई है हमें कुछ नज़र नहीं आता हमें वही नज़र आता है जो ज़ाहिरी तौर पर चीज़ें हमारे सामने हैं लेकिन बींग मुस्लिम हम इस बात पे यकीन और ईमान रखते हैं कि हकीक़त हाल कुछ और हैं जिसके लिए मैं और अब यहाँ बैठे उसकी तैयारी करें तो बहुत ज़्यादा सुकून मिला करें बहुत इंतज़ार रहा करें बहुत महब्बत से बैठा करें इसलिए तो फरमाए नफ़ी जलिका ज़िक्र आली का खान अल कलबन कि ये जो बातें अब सुनेगी क्योंकि हर इंसान के बस की बात नहीं जौक़ शौक तो बड़ा पैदा होता है कि हाँ मैं बैठूँगी मैं दौर कर्न सुनूँगी लेकिन कोई दस मिनट बैठता है कोई पंद्रह मिनट कोई आधा घंटा कोई पौना घंटा ये खुशनसीब होते हैं जिनको अल्लाह ताला मंजिल मकसूद तक पहुंचाते हैं लौट आए जितने फ़रजाने गए ताबाए मंजिल सिर्फ़ दीवाने गए तो इस वजह से ये दीवानगी की, की इंतहा होती है तो अल्लाह ताला से को मस्ती की दीवानगी मांगे तो इसलिए अक्ल को थोड़ी देर के लिए हमने बंद करना होता है हर वक्त कल के मैार के ऊपर तमाम चीज़ों को नहीं तोला जाता तो इन उसी चीज़ के ऊपर आज हम डिस्कस भी करेंगे ताकि इससे बियड जो एक दुनिया है जिसमें तबारक व ताली ने हमें जिसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए कहा हम उसके मुताबिक उन असूलों को अपनाने की कोशिश करें तो इनशा लजीज तमाम नीयतों को अपना दुरुस्त कर लें दो रखत आप लोगों ने पढ़ लिया होंगे इनशा लजीज़ तहैतल वजू नमाज हाजत नमाज तौबा नमाज शुकराना नमाज इश्क नमाज चाश नमाज व जुहात हैतलफ़रत हैतुलजरत नमाज इस्तख़ारा, जितनी नीयतें आप अलहदुल्ला सोचती चली जाएँ और इनके पीछे नीयतों को जब आप करती हैं तो एकदम जब नीयत करने लगती हैं जब तक नमाज की नीयत अकाबरीन उस वक्त तक अल्लाह अकबर नहीं कहते थे जब तक क्या नहीं करते थे अल्लाह ताला को अपने सामने देख नहीं लेते थे पा नहीं लेते थे अब हमारे अंदर तो मकाम एहसान की ये कैफियत है नहीं अगर है किसी के पास तो ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है नूर अल नूर है अगर नहीं है तो कम अज़ कम इतनी कैफियत तो होनी चाहिए कि अल्लाह ताली मुझे इस वक्त देख रहे हैं अपने सामने जो है जब हम बैतुल्ला की तरह मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं कम अज़ कम तजलियात ज़ातिया के अनवरात हमें महसूस होने चाहिए जब हम नियत करें कि ये नहीं खाली कि हम ईंट गाड़े पत्थर का जो घर बना उसकी तस्वीर को जो पिक्चर को अपने सामने कर लें वो हमारे लिए कोई ज़्यादा मायने नहीं रखते असल में जो उसके ऊपर पढ़ने वाली तजल्लियात है और अल्लाह ताला की ज़ाती तजलियात उसके ऊपर पढ़ती हैं वारात नून नौ, रोशनी जो हमारे गंदे दिल को मनवर करती है जिससे हमारे अंदर नमाज की मराज नमाज की हकीक़त और सुकून हासिल होता है जिसकी वजह से वाकई इंसान के अंदर डिप्रेशन स्ट्रेस जितनी एन्जाइटीज़ और प्रॉब्लम्स होते हैं वो दूर होते हैं इसलिए इसको सुकून कहा गया नमाज और क़ुरान जो है तो मगर ये कि अगर ये कैफियत नहीं है और अगर हम अल्लाह अकबर इसी तरह कह देते हैं कि दुनिया और दुनिया में जो कुछ इन तमाम चीज़ों को अपने दिल दमाग में ही लेके बैठे होते हैं तो फिर वो कैफियत नहीं मिलती इसलिए आप लोग जब वजू करते हैं तो सुबहान अल्लाह आप लोगों को वज़ू की जो कैफियत और उसके जो सुबह अल्लाह अजमत है और वजू के जो फ़ाइल हैं और जिसकी वजह से अल्लाह ताला की इतनी रहमतें हमारे चारों तरफ हमें फरिश्ते घेर लेते हैं और अल्लाह ताला की एक बड़ी हैवी फौज जो फरिश्तों की हमारे चारों तरफ पैरा देना शुरू कर देती है जिससे हमारे ईमान की हिफाजत होती है और जितने भी इंसान शैतानी शक्ल में चोट डाकू हमारे ईमान के हैं वो उनसे हिफाजत नसीब होती है और जब अगर गुनाह हो जाए तो उसके ऊपर सुबह अल्लाह वज़ू के बरकत की वजह से इंसान के दिल में एक एहसास भी पैदा हो जाता है और फिर माफ़ी मांगने की तौफीक भी नसीब हो जाती है सुबह अल्लाह तो इस वजह से ये तमाम चीज़ें हमारे सामने आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जो है हमने नफली सदक़ात की जो नीयत डाकल की थी आपने यकीनन अपने घर में बॉक्स बना लिया होगा तीसरे नंबर पे ये है कि हम लोग जो हैं नफली एतकाफ की भी नीयत करते नफली एतकाफ या अल्लाह जितनी देर तक मैं यहाँ बैठी हूँ एक घंटा दो घंटा जितनी देर तक भी बैठती हूँ अल्लाह नफली एहतक की नीयत करती हूँ इसको मेरे लिए कबूल फरमा और मेरे लिए आसान भी फरमा तो इन शह ये तमाम मामला बार बार अपनी आदत बनाएंगी इसलिए हम इसको रिव्यू करते हैं कि बहुत सी चीज़ें हमारे जहनों से निकल जाती हैं तो हम बार बार इसको रिव्यू करें ताकि ये हमारी आदत बन जाए इंसान की कमज़ोरी एक दफ़ा कहने से उसके ऊपर अमल नहीं होता इसलिए आपने देखा बच्चों को या हमें ख़ुद भी कितनी दफ़ा एक बात कहने की ज़रूरत पड़ती है तो उसके बाद इंसान की तबीयत बन जाती है इसलिए कुरि मजीद में जब वाक़ पढ़ेंगे या अल्लाह तला के अहकाम और मसाइल पढ़ेंगे आप देखेंगे बार बार अल्लाह तला ने तस्करा किया उन्हीं कॉमों का एक लाख चौबीस हज़ार अम्बी आलम आए थे बहुत ज़्यादा वाक़त नकल कर सकते थे सारी कामों की लेकिन चंद मशहूर अम्बी आलम के तस्करे ता किए ताकि जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए जो है बार बार रेपूटेशन की वैसे चीज़ें आसान हो जाएं। तो आज हम इन अपने सबक का आगाज करेंगे कि कुरने पाक का जो हमने दौर तफसर करना है उसमें इससे पहले कि हम कुरने पाक की शुरू़ात को शुरू करें हम मख्तसर सा ओवरव्यू कर लेते हैं कुरान है क्या ये इल्म तफसीर है क्या हमने इसका सीखना या जानना किस लिए ज़रूरी है और उसके बाद जो है अलहमद हम आगे बढ़ेंगे सबसे पहले आपको पता है कि ये कुरान मजीद है जिसको हम कहते हैं कि दौर कुरान करेंगे कुरान करीम अल्लाह रब्ज़त नबी करीम सल्हल के ऊपर वही के ज़रिए नाजिल की गई इसलिए हमें ये बात ज़रूरी है कि वही क्या चीज़ है उसके बारे में भी हमें थोड़ा सा पता चल जाए और कुरान पाक की अज़मत शान उन तमाम चीज़ों को हम थोड़ा सा देख लें साथ ताकि हम फिर इन श्ला सुरफ़ात को शुरू कर सकें हम में से हर मुसलमान अजीज़ी बेटी जानता है कि अल्लाह तला ने इंसान को इस दुनिया में आज़माइश के लिए भेजा है ये बात पक्की है अल्लाह तला ने फ़रमाया कि मैंने इसलिए भेजा लिया बलुआवा कम अय्यकुम आहसा मामला क्योंकि तुम्हें आज़माना है आजमाइश शर्त है कुरने पाक में जगह जगह ये आयतें हमें नज़र आएंगी। और फिर उसके बाद क्या किया, किया? कि इंसान के ऊपर कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी रख दी और फिर पूरी उसमेदारियों को ताकि इंसान पूरा करे और उसके बदले में पूरी कायनत को इस इंसान की खिदमत में लगा दिया और जो चीज़ आज हमें और आप अपने सामने देखते हैं लिहाजा दुनिया में आने के बाद इंसान के दो काम हैं एक ये कि उस कायनात से और इसमें जितनी भी पैदा की हुई चीज़ें उससे ठीक ठीक काम ले लें दूसरा ये कि इस कायन को के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको इस्तेमाल करते हुए अल्लाह ताला के अहकाम को अपनी आँखों के सामने रखें और कोई ऐसी बात या कोई ऐसी हरकत ना करे जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाराज़गी हो जो अल्लाह ताली की मर्ज़ी के खिलाफ हो इन दोनों कामों के लिए इंसान को फिर इलम की ज़रूरत है इसलिए कि जब तक उसे ये मालूम ना हो कि इस कायनात की हकीकत क्या है इसको जानना ज़रूरी कि इस कायनात की हकीकत क्या है इसकी कौन सी चीज़ के क्या क्या फ़ायदे हैं उनसे किस तरह फ़ायदा उठाया जा सकता है उस वक्त तक वो दुनिया की कोई भी चीज़ से अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक इंसान को इन चीज़ों का पता ना चले जब तक ये मालूम ना हो कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी क्या है अल्लाह ताला कौन से कामों को पसंद करता है और कौन से कामों को पसंद नहीं फरमाता उस वक्त तक उसके लिए अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना मुमकिन ही नहीं है लिहाजा अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा करने के साथ साथ तीन चीज़ें ऐसी पैदा की हैं जिनके ज़रिए से इन तमाम बातों का इल्म हासिल होता रहे उनमें सबसे पहली बात क्या है कि हवा से ख़मसा कि इंसान के हवा से यानी क्या है आँख है कान है मुंह है हाथ और पाँव है। तो हैं तो सबसे पहले हवा से खम्स हैं दूसरे इंसान की अक़ल है और तीसरा रवील है वही है इलाही है आपने देखा कि इंसान क्या करता है बहुत सी चीज़ों को अपने हवास के ज़रिए से पता चल उसको पता चल जाता है और बहुत सी चीज़ें इंसान को अक़ल के ज़रिए से समझ में आती हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं बहुत बातें जो इन दोनों ही सोर्सेस से इंसान को पता नहीं चलती उनका इलम सिर्फ वही इलाही के ज़रिए से ही होता है तो इसलिए अल्लाह ताला ने ये तीनों जो सोर्सेस ऑफ नॉलेज हमारे पास रखे हैं इलम के ये तीनों जो, जो जराए हैं हर एक की अपनी एक अपनी एक बाउंड्री बना दी है वो अपनी अपनी बाउंड्री से बाहर नहीं निकल सकता उससे आगे जाके वो कोई काम नहीं कर सकता तो लिहाज़ा हमें पता होना चाहिए कि इंसान इन तीनों सोर्स से कैसे फ़ायदा उठाता है इंसान को एक ग़लत फहमी हो गई है जिस वजह से इंसान आज जो है कुरान सुन्नत वाली ज़िंदगी से दूर भागता चला जा रहा है इसलिए इसको सीखना बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ें इंसान को अपने हवा से पता चल जाती हैं उनका ताल्लुक़ फिर हमारी अकल से नहीं हो सकता इसको देखिए कि जैसे फ़र्ज़ करो आपके सामने आप कमरे में बैठी हुई हैं एक कोई दीवार है दीवार को आँख से देखकर आपको ये पता चल जाता है कि इसका रंग कैसा है इसके ऊपर कौन सा पेंट हुआ हुआ है इसके ऊपर वाइट पेंट हुआ हुआ है रेड पेंट है येलो है कौन सी है किस रंग की है तो ये आपको आँखों से देख के पता चला अगर आप अपनी आँखें बंद करके सिर्फ सोचें कि मैं अपनी अकल की वजह से या अक़ल की मदद लेकर इस दीवार का कलर मालूम कर लूँगी तो अजीज़ी बेटी एड़ी चोटी का जोर भी लगा लेंगे तो तब भी आप उसका कलर फाइंड आउट या फिगर आउट नहीं कर सकती तो ये बात पता चल गई कि अल्लाह ताला ने इनके दायरे एक बाउंड्रीज़ रखी इसी तरह बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिन चीज़ों का इलम इंसान अक्ल के ज़रिए से हासिल करता है उसका ताल्लुक़ सिर्फ अक्ल से होता है और वो हम चीज़ें या वो बात या वो इन्फॉर्मेशन हम हवा से हमसा के जरिए से पता नहीं कर सकते मसलन सिर्फ़ आँखों से तो देख कर या हाथों से हम टच करके ये पता नहीं लगा सकते कि इस दीवार को किसी इंसान ने बनाया है बल्कि इस नतीजे तक पहुंचने के लिए इंसान को क्या होगा कि इस दीवार को किसने बनाया या कैसे बनी तो उसके लिए इंसान को फिर अकल लगानी पड़ती है फिर इंसान अपनी अक़ल के ऊपर ज़ोर देता है तो यहाँ तक बात पता चली कि हवा से ख़मसा का अपना काम है जो चीज़ें हमारे सेंसेस के ज़रिए से होती हैं वहाँ तक अक़ल के कोई हमारी गाइडलाइन नहीं मिलती और यहाँ पे हमारी जो है हवा से ख़मसा जो फाइव सेंसेस हैं वो जवाब नहीं दे पाती फिर हमारी अकल का काम शुरू हो जाता है मगर आप देखें इन दोनों के अपनी अपनी ड्रॉ लाइंस हैं अपनी अपनी बाउंड्रीज हैं और जो अक़ल की भी बात है वो भी ऐसे नहीं हो सकती कि अनलिमिटेड है अक़ल की बाउंड्री भी लिमिटेड है वो वो भी एक जगह जाके रुक जाती है और उसके बाद इंसान हैरान रह जाता है जैसे साइंस की दुनिया में जाएं जो आजकल अल्लाह के बारे में तमाम जो है अशकाल और बहस मुबासा और तमाम थैरीज़ वग़ैरह जिसमें डॉन थेरी बहुत पॉपुलर हुई हुई है और बहुत सी मुबास चल रही हैं जिसमें आज के नौजवान बच्चे बच्चियाँ भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि ये अल्लाह का वजूद कायनत का वजूद इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो बहस चल रही है तो लेकिन ये देखें वहाँ एक जगह पर आके सब स्ट्रक हो गए कि वो अक्ल का भी एक दायरा था और उसके बाद आगे पहुंचने के लिए जवाब ही नहीं मिल रहा मसलन इसी दीवार के बारे में अगर ये मालूम करना है कि इसको किस तरह इस्तेमाल करने से अल्लाह ताला राजी और किस तरह इस्तेमाल करने से अल्लाह ताला नाराज होंगे ये काम ना तो हम सेंसेस के ज़रिए से मुमकिन है, ना ही अकल के ज़रिए से तो इस किस्म के कितने जितने भी इंसान के जहन में सवाल आते हैं उसका जवाब देने के लिए अल्लाह तबारक तआला ने एक चीज़ को मुकरर फ़रमाया और उसी का नाम रवील है वही ये इलाही है और उसका तरीका ये होता है कि अल्लाह ताला अपने बंदों में से किसी को चूज़ कर लेते हैं और जिनको चूज़ करते हैं उनके नाम जो हैं अम्बी सलाम होते हैं अल्लाह तबारक वाली के प्यारे पैगम्बर होते हैं उस पर फिर अपनी इस रवील को अल्लाह ताल नाजिल फ़रमाते हैं पता ये चला कि वही इंसान के लिए जो है बहुत सुपर जो फॉर्म है नॉलेज की वो बहुत बेहतरीन सोसेज़ ऑफ़ नॉलेज है उसी से हमारी ज़िंदगी से मतलब जो सवालत हैं उनका जवाब जो है दिया जाता है जो जवाब ना इंसान की अकल दे सकती है ना इंसान के सेंसेस वहाँ तक पहुँच सकते हैं तो फिर अल्लाह तबारिक व ताली ने यह हमें अता फरमा दिया सिर्फ ये बात जहन में रखें अक़ल और जो इंसान का देखना है जहाँ मुशाहदा है यह इंसान की गाइडेंस के लिए इनफ़ नहीं था काफ़ी नहीं था बल्कि ये बात क्लियर कट है कि इसकी हदायत के लिए वही इलाही की ज़रूरत है क्योंकि बुनियादी तौर पर वही की ज़रूरत इंसान को पेश आती है कहाँ उस जगह पे यहाँ इंसान की अक़ल रुक जाती है तो लिहाजा जिस तरह किसी चीज़ का देखें रंग मालूम करना है ये अक़ल का काम नहीं बल्कि हमने देखा ये सेंसेस ने काम किया इस तरह बहुत से दीनी अक़ायद का इलम अता करना भी अक़ल की बजाय फिर वही का काम है तो फिर उसके ऊपर हम अक़ल के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते उसके लिए हमें फिर वही का सहारा लेना पड़ेगा लेकिन सवाल ये जहन में पैदा होता है कि वो लोग भी तो हैं जो माज़ अल्लाह अल्लाह ताला के वजूद के कायल ही नहीं हैं वजूद के कायल नहीं तो फिर उनके साथ तो ये बहस की नहीं जा सकती कि वही के मसले पर बात करना तो बिल्कुल बेफायदा है लेकिन जो इंसान अल्लाह ताला के वजूद को मानते हैं और अल्लाह ताला के ऊपर यकीन रखते हैं कामल ईमान रखते हैं उसके लिए वही की अकली ज़रूरत है और फिर उसके लिए ये बातों को सीखना समझना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है कि अगर आप इस बात पे यकीन है कि ये कायनत किसने बनाई कोई है इसको बनाने वाला और कोई है इस निज़ाम को चलाने वाला और किसी ख़ास निज़ाम या सिस्टम या पर्पस के तहत ही ये पूरी कायनात का निज़ाम चल रहा है तो ये बात फिर बिल्कुल क्लियर है कि जब इतना बड़ा कायनात का निज़ाम सिस्टम चल रहा है तो ये पॉसिबल ही नहीं कि जो ये निज़ाम चला रहा है उसने सिस्टम के अंदर इंसान को पैदा कर दिया और इंसान को पैदा करने के बाद उसे बिल्कुल अंधेरों में छोड़ दिया हो और उसे ये तक भी ना बताया हो कि वो क्यों इस दुनिया में आया है यहाँ भेजने के लिए उसके ऊपर क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं उसको अपनी क्या क्या ड्यूटियाँ करनी चाहिए या उस इंसान की मंजिल मकसूद क्या है और ये ना बताया हो कि वो अपने उन मकासद को जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने इसको ज़िंदगी में भेजी है ज़िंदगी अता कर दी है तो अपने मकसद ज़िंदगी को कैसे हासिल कर सकते हैं तो इसलिए क्या कोई शख्स जिसके होश हवा सलामत हो ऐसा कर सकता है कि अपने किसी नौकर को कोई मुलाजिम है कोई मेड है उसको ख़ास किसी पर्पज़ के तहत किसी ट्रैवल के लिए भेजे और उससे जब ट्रैवल के लिए सी ऑफ करे या चलते वक्त उसे बताए ना कि मैं तुम्हें इस ट्रैवल के ऊपर क्यों भेज रहा हूँ तुम्हारा इस सफ़र का मकसद क्या है और ना बाद में किसी पैगाम के ज़रिए से उसको कोई बात क्लियर करे कि उसे किस मकसद के लिए यहाँ भेजा गया है और इस ट्रैवल के दरम्या में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी तो ये बात हमारी अकल में वाकई नहीं आती कि इंसान ऐसी हरकत क्यों करेगा कि किसी शख्स को किसी ट्रैवल पे बग़ैर मकसद के भेज दे उसके सामने कोई गोल टारगेट कोई एम्स का या कोई उसके सामने कोई अचीवमेंट ना हो तो फिर अल्लाह के बारे में हम कैसे तसवर कर सकते हैं कि इतनी बड़ी कायन का जो सिस्टम चला रहा है ये आखिर कैसे मुमकिन है कि जिस ज़ात ने चाँद सूरज तारे आसमान सब कुछ बना दिया इतना बड़ा निज़ाम पैदा कर दिया वो अपने बंदों तक पैगाम पहुंचाने का कोई ऐसा इंतज़ाम भी ना कर सके जिसके ज़रिए से इंसानों को अपनी ज़िंदगी के आने का मकसद और पूरी उसकी ज़िंदगी की गाइडलाइन ना दी जा सके अल्लाह अकबर कबीरा तो यहाँ ये यह पता चल गया कि अल्लाह तबारक व के ऊपर यकीन रखते हुए ये बात बिल्कुल क्लियर है कि अल्लाह ने अपने बंदों को अंधेरों में नहीं छोड़ा बल्कि उसकी गाइडलाइन के लिए सिस्टम बना दिया और इसी सिस्टम का नाम क्या है वही इलाही है और यही वही है जिसके ज़रिए से फिर पूरा काम किया जाता है सुबह अल्लाह अब हमने ये देखना है कि ये वही है इलाही के ज़रिए से भेजा क्या अल्लाह ताला ने हमारे पास जो इस वक्त हाथ में हमने सीखने के लिए बैठे थे वो कुरान है कुरान को सीखने से पहले हमें पता चलना चाहिए कि ये कुरान पाक है क्या तो कुरान की डेफिनेशन जो हमारे सामने आती है वो यही आती है कि कुरान मजीद जो है ये अल्लाह ताला का वो कलाम है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ सहीफ़ों में लिखा गया किसी शक व शुबा के बग़ैर आप तवातर के साथ इसको नकल किया गया अल्लाह और इसकी तिलावत इबादत का दर्जा रखती है तो ये कुरान मजीद की डेफिनेशन पता चल गई कि कुरान करीम जो है अल्लाह ताला का कलाम है जो अल्लाह की ज़ातिया में से एक सिफत है सुबहानल्ला तबारक व ताल ने कुरान मजीद में जैसे इस कलाम के बारे में फरमाया कि यह ऐसी खूबसूरत बे मिसाल किताब है कि सुर हामीम सजदा आयत नंबर फोर्टी टू में फ़रमाते हैं ला याबात मबिन यदही हैं ओला ख़लफ़ी है तंज़ीमिन हकीमिन हमीद के ना इसके सामने से इसमें बातिल आ सकता है ना इसके पीछे से ये तो हकीम व हमीद की बारगाह से नाजिल की हुई किताब है सुबहान्ला तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत अंदाज से इसकी एक्सप्लेनेशन ख़ुद ही कर दी तो कुरान मजीद के अल्लाह ताला ने खूबसूरत नाम ख़ुद कुरान मजीद में बताए बहुत ज़्यादा कुरान पाक के नाम आप देखेंगे जब कुरान पाक की तिलावत करेंगे तो हमें इसके अंदर नज़र आएंगे मिसाल के तौर पर कुरान मजीद के अंदर मशहूर जो नाम हम पढ़ते हैं अल कुरान बार बार कुरान मजीद के अंदर अल कुरान आएगा फिर अल किताब आएगा अल फुरकान ये मशहूर हैं लेकिन इसके अलावा जो है मशहूर जो है फिफ्टी फ़ाइव नेम हैं जो ख़ुद कुरान मजीद में जिक्र भी किए गए पचपन नाम ऐसे हैं जो खुद कुरान मजीद में जिक्र भी किए गए बल्कि बास के नज़दीक तो कुरान मजीद के नामों की तादाद जो बताई गई नाइन्टी से भी ज़्यादा है तो जैसे सबसे ज़्यादा मशहूर जो है अल्लाह तबारिका तौ का अरशाद मुबारका सूरह ज़ुखरुफ़ आयत नंबर तीन में जैसे आता है इन्ना जा क़ुरन अरबियन ख़ुद देखें यहाँ पे क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ क़ुरआन देखें लफ्ज़ क्या इस्तेमाल हुआ कुर बेशक हमने इस किताब को अरबी ज़बान का क़ुरआन बनाया क़ुरआन देखें ख़ुद इसकी इस किताब का नाम क्या बताया जा रहा है कुरआन फिर दूसरी जगह सूरत हजर आयत नंबर एट्टी सेवन में फ़रमाते हैं और आतीन का सब अमिनमसानी वर्न अलम क्या फरमाया और हमने आपको नमाज़ में बार बार पढ़ी जाने वाली सात आयतें और क़ुरान अज़ीम दिया तो इस किताब का नाम क्या इस आयत मुबारक में बता दिया अल अज़ीमा क्या नाम बता दिया अल अज़ीमा। उसके बाद सुर वाक़ा में देखिए आयत नंबर सेवेंटी सेवन में इसका एक और नाम बताया इन्ना क़ुरआन कर करीम हम कहते ना कुरान करीम कुरान मजीद क़ुरान अजीम तो ये सारे क़ुरान के अंदर ही अल्लाह ताला ने यानी इस किताब के अंदर ही अपनी इस किताब के बहुत ज़्यादा नाम हमें बता दिए जिसको हम बड़ी मोहब्बत के साथ लेते हैं सूर बरूज में आयत नंबर ट्वेंटी टू में अल्लाह ताला कैसे फरमाते वल हुआ क़ुरआन मजीदी लोह महफोज महफूज बल्कि ये क्या है ये बहुत बुजुर्गी वाला कुरान है जो लोहे महफूज में लिखा हुआ है और बहुत सी इस तरह की आयतें मुबारक हैं जो जगह जगह कुरान मजीद में, में मिलती चली जाएंगी, और उसमें हमें मुबारक नाम नज़र आते चले जाएंगे। अब लेकिन ये कुरान का नाम क़ुरान कैसे रखा तो उसके बारे में भी तफसलत लिखी गई कि चूँकि हमें पता है कि ये कुरान मजीद अरब में नाजिल हुआ और इसके पीछे तो बहुत राज और हमतें एक लंबी कहानी है कि अल्लाह तबारक व ताली में ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब में पैदा फरमाया और वहाँ के लोगों के मुताबिक और फिर अहल अरब के मुताबिक ही फिर किताब क़ुरान मजीद को नाजिल किया हर दौर और ज़माने में जिस नबी को जहान भेजा गया चूँकि उसकी कॉम को ही उसकी तरफ़ हदायत देनी थी तो अल्लाह तबारिक वाली ने उसकी कौम की रायत करते हुए उन्हीं की ज़बान के मुताबिक अपने कलाम जो भी किताबें या शहीफ़ें नाजिल फ़रमाएँ ताकि उसकी कौम को समझना सीखना आसान हो जाए चूँकि अहल अरब लोग थे यहाँ नबी पाक सल्ला वसम तशरी फरमा हुए तो अहल अरब की आदतें देखें क्या थी ताकि पता चले कुरान पाक कैसे हुआ अहले अरब अपने कलाम के जो नाम रखते थे अल्लाह ताला ने अपनी किताब और हिस्सों का नाम उनकी ही जिस तरह से उस ज़माने में इस दौर में जो चीज़ें राज थी जिसके मुताबिक वो नाम रखा करते थे अल्लाह ताला ने भी उन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए अल्लाह अपनी किताब जो नाजिल की उसका नाम क़ुरान रखा यह ऐसा खूबसूरत नाम है ना तो किसी अरब ने अपने मजमो कलाम का यह नाम रखा ना दुनिया में किसी और किताब का यह नाम रखा गया बस ऐसा खूबसूरत है जैसे अल्लाह व ताली की अपनी मिसाल बेमिसाल है इस तरह अल्लाह ताली का कलाम भी सुबह अल्लाह बे मिसाल है अहल अरब अपने जो मज़मूए कलाम होता था ना उसको दीवान कहा करते थे तो ये मशहूर है आपने सुना भी होगा तो अल्लाह ताली ने अपने कलाम का नाम कुरान रखा तो अहले अरब क्या क्या करते थे अपने कलाम के जो डिफरेंट पार्ट होते थे हिस्से होते थे उनको कसीदा कहते थे अल्लाह ताला ने अपने कलाम के हिस्से का नाम सूरत रख दिया तो अहले अरब अपने कलाम के छोटे से छोटे जुमले को क्या कहते थे बैत जब हम कहते ना बैतबाजी करने शेर व शायरी ये लोग जो क्या करते थे बायाता तो अल्लाह ताला ने अपने कलाम के छोटे से जुमले का नाम आयत रखा तो सुबह अल्लाह ये बात सामने आ गई उसके बाद कुरान मजीद के जो लफ्ज़ कुरान हैं उसकी क्या रीज़न है इसके बारे में बहुत ज़्यादा तफसलत आती हैं लेकिन हम बचपन से ही एक लफ्स पढ़ा करते थे कि लफ् कुरान के रात से निकला यानी कि बार बार पढ़ी जाने वाली किताब अल्लाह इसलिए देखें यह है ही कि बार 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 पढ़ी जाने वाली किताब तो बाज़ ये कहते हैं कि ये क़राइन उनसे मशतक है क्योंकि उसकी बाज़ आयतें बाद दूसरी आयतों की तस्दीक करती हैं और कुछ आयतें दूसरी आयतों के साथ मुशाबे भी हैं इन्हीं बातों के नाम क्या हैं करिन यानी करीने से है बाज़ कहते हैं ये करनुन से है जिसका मानी जमा करने के आते हैं जैसे अरब में ये बात मशहूर थी ना करन तो शेब शे मैंने एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ जमा किया इस लिहाज से इसको कुरान मजीद कहा जाता है क्योंकि इसमें सूरतें आयतें कलमात हरूफ ख़ास के साथ जमा कर दी गई हैं तो लिहाजा ये पता चला कि इसके पीछे बहुत ज़्यादा तफसी हैं कि लफ्स क़ुरान जो है कैसे निकला और अल्लाह ताला ने ख़ुद भी फरमा दिया फैज़ा क़रा न हो फ़े कुराना हो बस जब हम अपने फरिश्तों के ज़रिए इसको पढ़ें तो ए पैगम्बर आप भी इसकी इतबा करें और ये ऐसी खूबसूरत किताब है अलामा राघव इस फहानी राम फरमाते हैं कि हर एक जमा करदा जो चीज़ होती है या हर कलाम के मजमू को हरगज़ कुरान नहीं कहा जाएगा बल्कि कलाम मुल्ला जो अल्लाह का कलाम है ये नाम इसलिए रखा गया कि इस के अंदर अल्लाह ताला ने पिछले ज़माने से आज तक जितनी आसमानी किताबें नाज ली थी उनके तमाम आलू मारफ उसके जितने भी नतज जो भी चीज़ें थी अल्लाह ताला ने सुबह इस किताब कुरान मजीद में जमा कर दिया इसलिए अल्लाह ताला ने इसके बारे में फ़रमाया व तफ़सी इस शुरान मजीद के अंदर हर चीज़ की तफसील है तबियान तिबियान अशैन हर चीज़ को एक्सप्लेन खुल्म वाजिया तौर पर इसको बताया गया है और इसके अलावा अल्लाह तरमाते ना आलैना जमा हो वुरआना हो वज़ा करा ना हो फ़़र्आना हो तो क्योंकि फ़रमाएँ इसका जमा करना और इसका पढ़ना अल्लाह फरमाते हमारे ज़िम्मे हैं जब हम इसको पढ़ चुके हैं तो उसके बाद आप पढ़ें सुभान अल्लाह तो अल्लाह तबारिक व ताली ने यह फरमाया कि ये किताब कुरान इसलिए लिखा ये किताब पढ़ने के लिए नाजिल हुई क्या मत तक ये पढ़ी जाएगी और ये पक्की और सच्ची हकीकत है कि कुरान मजीद दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है अल्लाह और ये देखें उसके बाद ये कुरान की जो रवील हो गई ये किसके ऊपर हुई आपको पता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आज के दौर में ये चंद बातें हमें लगती तो टफ़ हैं लेकिन अजीज़ी बेटी अपने घर में बताना सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल देखें ख़त में नवत के ऊपर कितनी तफसील हो रही हैं और कितनी बातें हो रही हैं और उठ के कभी कोई नबूवत का दावा कर देता है कभी कुछ कर देता है और हमने चूँकि आका ससम की मुबारक ज़िंदगी सलाम की तफसलत या उनके वाकत चीज़ें पढ़ी नहीं होती और बच्चों के अंदर उन तफसलत को नकल भी नहीं किया और पता नहीं, नहीं कि ये ख़त में नबूत क्या चीज़ है या नबी करीमलम या अमी आसमाम की तफ़ीत कैसे होती है यह मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी है ये बात जहन में रखें कि हर बंदा उठ के नबूत का दावा नहीं कर सकता जैसे आज कल देखें जो उल्टी पुल्टी चीज़ें फ़ेसबुक के ऊपर और ऑनलाइन चल रही होती हैं और बच्चे बस उसको पढ़ के देख के और अपने जहन में नए नए किस्म की बातें चीज़ेंशिकाल चलते रहते हैं और बहुत सी चीज़ें वो हमारे साथ डिस्कस भी नहीं करते और बहुत घरों में डिस्कस होती हैं तो माँ बाप उसका जवाब भी नहीं दे पाते क्योंकि उन्होंने खुद कुरान और सुन्नत की तालीमत को सीखा समझा नहीं होता अब ये देखें हमारे माँ बाप ने बचपन से ही आपको याद होगा बचपन से ही हमें पहला सबक क्या दिया जाता था कलमे का सबक मिलता था और उसके बाद फिर पूछते थे अल्लाह कितने हैं हमें याद है बचपन में छोटे से होते थे एक दो साल के जैसे ही बोलना शुरू करते थे तो हमें पूछते अल्लाह कितने हैं हम जवाब देते थे अल्लाह एक है हमारे आखिरी नबी का क्या नाम है और फिर हम सारा बताया करते थे हमारी किताब क्या है फ़लाँ 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 बचपन छोटे छोटे मज़े ले लेकिन ऐसी कुछ पता भी नहीं होता था लेकिन बचपन में ही चीज़ ये माँ बाप ने रासिक कर दी थी जो बचपन में भी जाके हमारे जहन दिल दमाग में पक्की हुई, हुई है लेकिन आज बच्चों से पूछें कि हमें किसने बनाया आप देखें खड़े होकर आपकी शक्ल देखना शुरू कर देंगे हमारे अम्बीआई इस्लाम कितने पहले नबी कौन से हैं आखिरी नबी कौन से हैं हम किस नबी की उम्मत में से हैं हमारे नबी की क्वालिटी क्या है नबौत क्या होती है रिसालत क्या होती है कुछ भी नहीं पता कुछ भी नहीं पता जब हमें अपनी बेस ही नहीं पता तो फिर हम कैसे कहते हैं हमारे बच्चे एथिजम हो गए धैर्य हो गए बात ही नहीं सुनते माँ बाप की जब उनको दीन इस्लाम पढ़ाया ही नहीं दीन इस्लाम की वैल्यू उनकी कदर की नहीं इसलिए अजीजी बेटी हम जिम्मेदार हैं इसलिए आप कहते हैं ना कि वो बच्चों के लिए इंग्लिश में दौड़े तफसर हो जब बच्चों का ये हो अभी हमने पढ़ा होता तो बच्चे को बचपन से सिखाते अब जब वो शुरू और समझ वाले हो गए अब तो उनकी मर्जी है अब तो अल-अमान वल हफीज वाला मसला होगा अल्लाह तबारक व जिसको चाहेंगे अल्लाह अकबर कबीरा जिसके पीछे आंसू बहते होंगे जिसके पीछे रो रो के जो है हाथ उठा के दुआ मांगने वाली माएँ बहनें और बेटियाँ होंगी शायद वो चेहरे समर जाएँ वरना तो आज जो हमारे ईमान का जनाजा निकला हुआ वही हालत है देखें ये चीज़ें हमें बचपन से रासिक करनी थी अपने बच्चों के जब वो बिल्कुल क्लियर कट होते हैं प्लेन होते हैं उनके अंदर कोई बहस मुबाइस इस किस्म की कोई चीज़ उसके ऊपर असर नहीं कर रही थी देखा नहीं बच्चे लड़ाई करते हैं उसी वक्त लड़ झगड़ के बिल्कुल सेट हो जाते हैं अब हम बड़े लड़ाई करें तो हमारे दिलों के अंदर से अगर हम कह भी दें सॉरी किसी को इवन मियाँ बीवी का मसला देख लीजिए तब भी हमारे अंदर क़दूरतें नफ़रतें अदावतें दिल के अंदर बातें बीस साल पुराने भी निकाल के बाहर रखी होती हैं वजह यही होती है अब वो जब प्लेन थी बिल्कुल सादा कागज़ था उसके ऊपर हमने नक्श करना था उस वक्त हमने नक्श नहीं किया अब तो वो कागज़ पूरा भर चुका है दिल की दुनिया जो है गंदी हो चुकी है अब उसके अंदर हम क्या उंडेलने, ये डालने की कोशिश करते हैं इसलिए अब ये बातें बहुत मुश्किल है ये बात जहन में रखना इसलिए चार औरतों ने जहन्ना में जाना था कौन कौन सी के एक औरत यानी वही जो माँ बहन बेटी और बीवी जो है इसलिए आप देखा करें कि जहन में रखें अब ग़ुस्सा तो बहुत आता है फेमिनिज्म के ऊपर ये फलां फ़लां चीज़ों की जो दौड़ और रेस लगी लेकिन बेटी अकल के हम नाखन लें होश व हवा से देखें तो वाकई हकीकत हाल ये है कि औरत का हमारा जो मकसद था औलाद की तरबियत करना हम उस मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहे चाहे उसके पीछे वजूहत जो कुछ भी थे हम में सबसे बड़ी वजह वही दुनिया की एक दौड़ धूप है मटेरियलिस्टिक लाइफ है भाग 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 भागने में लगे आगे नहीं पता कहाँ जाके अंधे कुएं में गिरना है तो लिहाजा ये हकीकत हाल है तो हमें यह पता चलना चाहिए ये जो लवील हुई या बातें या हकीकत हम तक पहुँची हैं वो किसके ज़रिए से पहुँची नबूत और रिसालत अब यह हमें पता होना चाहिए कि यह क्या चीज़ है ये कोई फ़न नहीं है ये कोई हुनर नहीं है कि में से कोई बंदा अपनी बहुत ज़्यादा मेहनत करे जैसे मिर्ज़ा का दयानी है फ़लां फलां, फलां हैं कि अपनी मेहनत की और मेहनत के बाद और उसने दावा कर दिया ये मैं नबी हूँ या मैं रसूल हूँ ऐसा नहीं है कि कोई अपनी ज़ाती मेहनत करके ये वाली डिग्री या ये वाला दर्जा नहीं हासिल कर सकता यह महज अल्लाह तबारिक व ताली का एहसान है अल्लाह तला की अता होगी सिर्फ अल्लाह तला ही नोमिनेट कर सकते हैं इस चीज़ के लिए अगर कोई जितनी मर्जा नेक बन जाए जितनी मर्ज़ी जिक्र इस कर ले तस्बीहात कर ले कोई जितने भी दर्जे के कमालात इबादत में पैदा कर ले अल्लाह का वली तो बन सकता है मगर कभी भी नबी नहीं बन सकता नबी तो वही होगा जिसको अल्लाह तबारक व ताली अपनी मनसुबो रिसालत के ऊपर अता फ़रमा देंगे जैसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह आलिन आम में 124 आयत में ख़ुद फ़रमा दिया अल्लाह तीन अल्लाह आलम हईसु याजालो रिस हो अल्लाह ताला खूब जानता है कि वह अपनी पैगम्बरी किस को अदा फरमाएँगे इस तरह हर दौर और ज़माने में अपने अपने ज़माने में अपनी अपने कॉम अपने अपने इलाके के लोगों को हदायत तो और रहनमाई के लिए अल्लाह तबारिक व ताली ने जो जनबियों को भेजा जो अल्लाह ताला के अहकाम अपने अपने दौर और ज़माने के मुताबिक लेकर आए और वक्त के साथ साथ जो उनकी जो है सुपरविजन होती रही इसी तरह सबसे आखिर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह तआला का पैगाम लेकर आए और आप से भी अल्लाह तबारिक व ने वहीं से नवाजा जैसे पिछली कौमों के ऊपर अम्बी आसमाम आए और उनके ऊपर जो भी रवील होती रही आपको पता है कि मशहूर चार किताबें हैं तो वो अपने अपने ख़ास कौम के लिए थी जैसे मशहूर किताबों के तस्करे हमने पढ़े ज़ब्तरा ज़ब् रंजील वग़ैरह मगर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताली ने दुनिया में भेजा तो ये बात सबसे पहले हमारे जहन में होनी चाहिए कि नबी वसम किसी ख़ास कौम या कबीले के लिए नबी नहीं बन के आए थे क्या तक हर कौम हर जमाने के लोगों के लिए अल्लाह तला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा तब तो असल के अतबार से ये जहन में रखें तमाम शरीतें एक ही थीं जितनी अम्बीआई सलाम शरीतें लेकर उसके पीछे स्कूल ऑफ थाट्स जो था वो एक ही था यानी एक ही कैदा था अल्लाह को मानना और अपने अपने वक्त के मुताबिक जो नबी भेजे गए उनको मानना और वो हर नबी यही पैगाम लेकर आया था अल्लाह एक है दुनिया की तैयारी करो यहाँ से मरना है मर के जाना है और आख़रत की तैयारी के लिए दुनिया में तो बेसिक थीम एक ही था और उसके बाद उसकी जो ब्रांचेज या फ्रूहआत होती हैं वो अपने अपने दौर ज़माने की ज़रूरत के लिहाज से अल्लाह ताला ने उस वक्त के अहकाम और मसाइल को क्या किया डिफरेंट कर दिया और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है नबूत का सिलसिला ख़त्म हो गया इसलिए नबी को सो अम्बिया कहा जाता है अब क्या तक ना तो कोई नबी और रसूल आएगा और ना ही किसी इंसान पर वही नाजिल होगी और ना ही इसकी ज़रूरत है क्योंकि आप को जो किताब मिली है दिगे व तमाम पिछली साहब का जितनी भी किताबें थीं तो उनके अंदर जितने भी अहकाम मसाइल जो भी चीज़ें नासिख सिख मनसूख हुईं तो बहरहाल ये किताब मुकम्मल और मदल और जाम किताब है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व ताली ने ख़ुद फ़रमाई है इन्ना नाहनु नजल ज़िक्रा व इन्ना लाहौल ला हाफिजून और हर दौर और हर ज़माने में अल्लाह ताली एक ऐसी जमात को कायम रखेंगे जो इस किताब की हिफाज़त करेंगी सुबह इसलिए अब देखें यह वही क्या है अगर इसको लोहवी तौर पर देखा जाए तो इसके मायने हैं दूसरे को पोशीदा तौर पर कुछ बता देना जल्दी से कोई इशारा कर देना दिल में कोई बात डाल देना या इल्हाम कर देना और शर्य अतबार से देखा जाए तो इसके मानी है कि वही अल्लाह ताला का वो पैगाम है जो नबी की तरफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किया जाता है और ये सिर्फ़ सलाम पर होता है और जैसे कि हमने देखा कि बहुत सी इकसाम फिर वही की होती हैं कुछ लोगों को ग़लत फहमी होती है यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ को एक एक्स्ट्रा समझ लें एक हमने लुत जो एक लघवी तौर पर मायने होते हैं जैसे पोशीदा तौर पर कुछ बता देना कोई इशारा कर देना या दिल में कोई बात डाल देना या इल्हाम कर देना तो ये चीज़ जो थी लघवी मायने में आते हैं और ये सबके ऊपर हो सकती है मिसाल के तौर पर ये इसकी एक किस्म फ़तः जैसे अल्लाह ताला ने इल्हाम फरमाया शहद की मखियाँ अब शहद की मक्खियाँ छत्ता बनाती हैं और उसमें शहद जमा करती हैं अल्लाह तबारिक व ताली ने सुर नहल में ख़ुद इस बात को नकल फरमाया व अहाा रबा अल नाहजी मिनल जबाली बुतन सूर नहल में सिक्सटी एट आयत में अल्लाह ने ख़ुद फरमाया कि क्या किया अवहा ये अहाा का जो लफ्स है अब ये वो वाली वही नहीं है जो शरी वही है कि जिसके जरिए से अहकाम तो निकलते हैं इसी तरीके से दूसरी मिसाल इसकी एजादी एजादी वही क्या होती है कि जैसे कोई नई नई चीज़ें आज क्या देखें इन्वेंशन हो रही होती हैं साइंसदान नई नई चीज़ें बना रहे हैं और उसकी तरफ मतवज होते हैं इंसान कोशिश करता है मेहनत करता है तो इंसान के जहन में बातें डाली जाती हैं मसलन जिस शख़्स ने सबसे पहले हवाई जहाज़ बनाना चाहा या उसकी कोशिश की तो उसके जहन में ये ख़याल किसी परिंदे को हवा में उठता हुआ देख पैदा हुआ फिर उसने अपने ख़्याल के मुताबिक उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया अपने ज़हन को इसकी तरह मतवे बार बार उसने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए तजर्बात किए अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से हवाई जहाज़ का मुकम्मल नक्शा उसके जहन में डाल दिया यही वो वही यानी अल्हम है जो आम इंसानों को होता है चाहे वो मोमिन है चाहे वो गैर मोमिन है चाहे वो काफिर है मुनाफिक है मशरक है उसके लिए शर्तनी कि उनको भी बात चीज़ का सिखाना समझाना वो अल्लाह ही की ज़ात है क्योंकि कुल कायनात को बनाने वाली एक ही जात है चाहे वो काफिर है मुनाफिक है मुशरिक है रिस्क रोटी जैसे उनको भी देता है इसलिए ये बात मेहनत और स्ट्रगल करना जो शख्स भी करेगा अल्लाह तबारिक व ताली फरमाते अनिल आम कुमिन ज़करिन और उनसा मैं किसी की भी मेहनत को ज़ाया नहीं करता जिसने लोहे पे मेहनत की अल्लाह तबारक व ताली ने उसको लोहे की परवाज़ अता फ़रमा दी तो इसलिए अल्लाह तला ने इंसान जो मोमिन है उसको फरमाया बता दिया कि ज़ाहिर दुनिया के असबाबी दुनिया को भी सामने रखते हुए कि जिस चीज़ के ऊपर मेहनत करोगे अल्लाह तला ज़ाय नहीं करता उसका रिजल्ट सामने आता गैरों ने उसके ऊपर मेहनत की तो उसका रिजल्ट सामने आया फरमाया इंसान अगर तो इसी तरह अपने दिल पर मेहनत करता तो फिर तो दिल की परवाज़ कैसे ना हासिल कर सकता था तो इसलिए देखिए ये ऐजादी होती है और अल्लाह ताला ने इसकी दलील कुरान मजीद बनी इसराइल में आयत नंबर 19 में दी कुल्ला नमी दोहा उलाए वहा हाउ उलाय आत रब्बी का वमा काना आता और रबी का मज़ूरा कि मोमिन और ग़ैर मोमिन जब भी कोशिश करते हैं तो हम उनको मदद देते हैं अल्लाह ताला फरमाते हैं और ये सब तेरे अल्लाह की दी हुई बख्शिश है उसके बाद जो है हैफानी होती है ये अल्लाह तबारिक व ताली ने वो लोग जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं कोशिश करते हैं अल्लाह के नेक मर्द और औरतें होती हैं जो शरीत सुन्नत के ऊपर बहुत तन मन धन की बाज़ी लगाते हैं मुजाह करते हैं और उसके बाद अपने नफ्स का जो है तजकिया करते हैं अपने दिल की सफाई करते हैं तो अल्लाह ताला फिर उनको इल्हाम के ज़रिए उनके ऊपर एक ख़ास किस्म के लूम की राहें खोल देते हैं इसको अरफ़ानी कहते हैं जिसकी दलील सरेकबूत आयत नंबर नाइनटीन में दी वलना जाहदुफीना हैं उनके हदायत के रास्ते खोलते हैं। जो शख्स भी तुम में से मेहनत मशक्कत और मुजाहिदा करता है शर्त यह बता दी तो अब यह सारी तीनों किस्म की जो वही की किस्म थी जो लुघवी तौर पर आती थी ये किसी पर भी हो सकती इसके लिए नबी का होना शर्त नहीं था हैवान इंसान जानवर चिंद पिंद औलिया किसी पर भी हो सकती है लेकिन जो शर् वही है ये सिर्फ़ अम्बी सलाम के ऊपर होती है शर् वही क्या थी जैसे अल्लाह तबारिका ने ब्राह रास्त नबी के दिल में कोई बात डाल देता है। ये क्या होती है डायरेक्ट वही कल भी कहलाती है इसमें ना तो फ़रिश्ता को कोई ताल्लुक होता है और ना ही कोई और हवा से खमसा या इस किस्म का कोई ताल्लुक़ होता है अल्लाह तबारक व ताली डायरेक्ट नबी के दिल में बात को बिठा देते हैं और फिर जो है दूसरे तरीके से जो अल्लाह तला नबियों के ऊपर वही भेजती है तो अल्लाह ताली जो है डायरेक्ट नबी से बात करते हैं इसको तकल्लुम कहते हैं तकल्लुम रब्बानी यानी बात करते हैं इसमें भी फ़रिश्ते का कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं होता बल्कि क्या होता है नबी को एक आवाज़ सी सुनती है लेकिन वो आवाज़ मखलूक की आवाज़ से बिल्कुल डिफरेंट होती है उसका अजीब और गरीब किस्म की कैफियत हासिल था, होते हैं जो अम्बिया इस आवाज़ को सुनते हैं वही उसकी कैफ़ियत को भी पहचानते हैं हमारी अक्ल वहाँ तक पहुँच नहीं सकती जैसे कि हमने पुरानी मजीद में भी आवाज़ सुनी वकलमल हो मूसा तकलीमा मूसा आई इस्लाम से अल्लाह ताली जैसे बातें किया करते थे फिर एक होती कि फ़रिश्ते के ज़रिए से वही आती जैसे हज़रत ज़िबाई इसको वही मला के फरिश्ते के ज़रिए से होते हैं कभी कभार ये फरिश्ता नज़र भी आता है और जिसके बाद क्या तफ़ीत हमने देखी कि नबी करीम को अपनी असली शक्ल में भी ये फरिश्ते दिखाया गया तो इस तरह मुख्तु ये किस्म के कैफ़िया हैं जिसके ज़रिए से वही भेजी जाती है और उसके बाद जो है फरिश्ते असली शक्ल में आना हजरत इस्लाम जैसे आए एक मरतबा तो उस वक्त आए थे जब आप उसम ने खुद जब्राई इस्लाम को उनकी असली शक्ल में देखने की ख्वाहिश जाहिर की थी और दूसरी मरतबा रवायत के मुताबिक क्या था कि मैं राज के मौके पर आए थे तो बहर ये मुख्तु किस्म के तरीक़ों के ज़रिए से नबियों के ऊपर वही होती है और फिर सच्चे ख्वाबों के ज़रिए से जिसको रोए सादिका कहा जाता है कि सच्चे खवाबों के ज़रिए से की जाती है और सच्चे ख़ाबों के से फिर आगे जो है बाकायदा सिलसिला शुरू हो जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वही जिसके ज़रिए से कुरान हम तक पहुंचा लेकिन इसमें जो दूसरी चीज़ें अशकाल कर देती हैं उन चीज़ों को हमने अपने जहन से निकालना है जैसे आज बहुत सी तफ़ीलत बहस है जब हम कुरान पाक की तशह शुरू करेंगे तो उसमें वो आयत मुबारक आएँगी तो जिससे आपको जो उसकी बहस की तफसीत है समझ में आएँगी अब ये जो कुरानी मस्जिद जिसको हमने पढ़ना है इसके थोड़ी सी हमें पता चल जानी चाहिए कि इसकी क्या आज़मत है शान है इसकी क्या फजीलत है इसके क्या आदाब है इसके किस तरीके से हमारा ऊपर जो है इसके अल्लाह तफात का ज़िमा लिया या इसकी क्या हिस्ट्री थी तो थोड़ा सा पता चल जाए ताकि उसके बाद फिर हम जब इसको पढ़ें और सीखने समझ रहे हों तो हमारे लिए वह अजमत वो मोहब्बत व शान व अदब अदाब का ख्याल रखा जाए तो ताकि उससे पूरा फ़ायदा उठा सकें देखिए अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद में, में फरमाते हैं किताब किताबन ये एक ऐसी किताब है जिसे हमने आपकी तरफ नाजिल किया और ख़ुद ही अल्लाह उसका मकसद भी बता रहे ले तुखर जन्नास मन ुमात नूर ताकि इंसानों को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाना है अब ये किताब अंधेरों से रोशनी की तरफ़ लाने वाली किताब है और ये इंसान के लिए दस्तूर हयात हैं इंसान के लिए जबतः हयात है बल्कि पूरी इंसानियत के लिए अजीज़ी बेटी और ये हमारे लिए आब हयात भी है सुबहान अल्लाह इसलिए हदीस मुबारक में आता है तबारक बिल्कुर कलाम उल्ला व ख़ाराजाम हो कुरान से बरकत हासिल करो कि यह अल्लाह का कलाम है और उससे ही ये शादिर हुआ है तो कुर मजीद ऐसी प्यारी किताब है ये इबादत ही इबादत है कि जिसका देखना भी इबादत है इसका छूना भी इबादत है इसका पढ़ना भी इबादत है इसका पढ़ाना भी इबादत है इसका सुनना भी इबादत है इसका सुनाना भी इबादत है इसका समझना भी इबादत है इसका हिफ्स करना भी बहुत बड़ी इबादत है और उस पर अखलास के साथ अमल करना दुनिया की सबसे बड़ी इबादत है अल्लाह अकबर कबीरा तो अजीज़ी बेटी ये कितनी बड़ी इबादत है अल्लाह अकबर तो ये हमें इसकी अज़मत का एहसास हो आपने देखा कि दुनिया में जैसे मकनातीस होता है जो लोहे को अपनी तरफ़ खींचता है तो कुरान मजीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों को खींचने का मकनातीस है इसलिए हम इसकी अज़मत को लेकर बैठेंगे इसको डिसरिस्पेक्ट डिसऑनर नहीं कर सकते फरमाया वायज़ा कुरिय क़ुरान जब कुरान पढ़ा जाए फस्तामियो ला व अंसी तो फिर क्या करना है उसको इंतहा मोहब्बत और तवज्जो के साथ सुनना है और उसके ऊपर क्या करना है खामोश रहना लुम तो ताकि तुम पर अल्लाह तबारी को तला की राहमतें छम छम बरसी जाए तो जिस महफिल में भी कुरान पढ़ा जाएगा तो सुबहानजत की राहमतें बरसा करती हैं इसलिए फरमाया हमने अपने दिल का बर्तन सीधा करके बैठना है जब अपने दिल के बर्तन को सीधा करके बैठेंगे तो अजीज़ी बेटी अल्लाह की रहमतें इसके अंदर हम खूब जो है ले समेट सकेंगे बारिश कितनी ही तेज़ क्यों ना हो अगर कोई बर्तन ही उल्टा पड़ा हो तो उसके अंदर तो आपको पता पानी का एक कतरा भी नहीं जा सकता तो ये बारिश का कसूर नहीं होता बल्कि उस बर्तन का कसूर होता है जिसका रुख ही उल्टा होता है इसलिए फरमाया इन्ना फ़िज़ालिकाला जिक्रा इस कुरान में यक़ीन नसीहतें हैं मगर किसके लिए अली मन कानब जिसके अंदर दिल होता है और जिसके अंदर दिल की बजाय सिल यानी पत्थर हो तो फिर फरमाया कि कोई उसके अंदर फ़ायदा या मज़ा कुछ भी नहीं आता फरमाया अलकस्म वाह हुआ शहीद हमतन मतवज हो के हाज़िर बाश हो के बैठे तो इस तरह इंसान तलब बन के बैठेगा तो अल्ला तबारिक की अज़मत उसकी राहमतों को अपने दामन से फिर भर लेगा और ये बात इतनी मज़े की कुरान मजीद को जब इंसान पढ़ना शुरू करता है तो लज्ज़त और सुकून और सरूर मिलता है कि दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं जिसके हाफिज दुनिया में मौजूद अल्लाह अकबर कबीरा कोई ऐसी किताब नहीं ये फ़कत कुरान मजीद ही ऐसी किताब है कि अल्लाह इज़्ज़त ने इसका याद करना अपने बंदों के लिए बहुत आसान फरमा दिया जैसे इसको पढ़ने के मज़े हैं इसको याद करने के भी ऐसे मज़े इसको बड़े ख़ूबसूरत अंदाज़ में पढ़ा गया ये पढ़ने वालों का कमाल नहीं बल्कि इस किताब का कमाल है कि अल्लाह तबारिक व ने ख़ुद इसके अंदर वो तमाम मज़े रख दिए कि छोटे छोटे बच्चे भी कभी जो है इसको ले कर पढ़ रहे होते हैं और फिर उसके मज़े और जो है उसके फ़ायदे और उसके लुत्फ़ से लुफ़ानंदोज हो जाते हैं सुबहान अल्लाह एक वो वक्त था कि जब इस कुरान को तहजद के वक्त में पढ़ा जाता था मदीना की गलियों में से अगर तहजद के वक्त में कोई इंसान चलता तो हर घर से तहजद में कुरान पढ़ने की ऐसी आवाज़ें आती थी जैसे शहद की मक्खियों के भिन बनाने की आवाज़ होती है अल्लाह ये कुरान की अज़मत है और आज हमारे लिए दो घंटे बैठना मुश्किल है और आज ऐसे लगता है कि हमारे गली मोहल्ले देखें इतने खामोश होते हैं जैसे इंसानियत तो अपने कंधे पर अपनी ही ज़मीर की लाश को लेकर उसे दफन करने के लिए जा रही होती है ऐसे हम सोए पड़े होते हैं रात के दो तीन बजे तक तो हम इधर उधर के कामों में लगे होते हैं जब मांगने का वक्त होता है हम उस वक्त सो जाते हैं इसकी अजीब अजमत है इसकी अजीब फजीलत है कि एक सहाबी रजाना अपने घर के अंदर तहाजद में कुरान पाक पढ़े थे तबीयत उनकी ऐसी मचल रही थी कि जी चाहता था कि ऊंची आवाज़ से पढ़ें। मगर करीब ही उनके एक घोड़ा बंधा हुआ था और चारपाई के ऊपर बच्चा लेटा हुआ था महसूस किया कि जब ऊंचा पढ़ता हूँ तो घोड़ा जो है एकदम से भिदकना शुरू होता है लिहाजा दिल में यह खौफ पैदा हुआ कि घोड़ा कहीं बच्चे को नुकसान न पहुँचा दे फिर आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना शुरू कर देते सारी रात यही मामला होता रहा जब तहज मुकम्मल की और दुआ के लिए हाथ उठाए तो क्या देखते हैं कुछ सितारों की मानद रोशनियाँ हैं जो उनके सर के ऊपर आसमान की तरफ वापस जा रही इन रोशनीों को देख कर बहुत हैरान हुए सुबह हुई तो वह सहा अल्लाह ताला अनहो जो है नबी करीम वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ अर्ज़ किया अल्लाह के वसल्लम मैंने रात को तहजद इस अंदाज़ से पढ़ी कि बच्चे के खौफ की वजह से आहिस्ता पढ़ना शुरू कर दिया था दिल चाह रहा था कि ज़रा ऊंची आवाज़ के साथ पढ़ूँ मगर दुआ के वक्त में मैंने कुछ रोशनी आसमान की तरफ़ जाते हुए देखी अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि वह करीम परवरदिगार की तरफ़ से फ़रिश्ते थे जो तुम्हारा कुरान सुनने के लिए आसमान से नीचे उतर आए थे अगर तुम थोड़ी देर ऊंची आवाज़ में क़ुरान पढ़ते रहते तो मदीना के लोग अपनी आँखों से आज आसमान के फ़रिश्तों को देख लेते अल्लाह अकबर कबीरा सुबहानल्ला कैसा खूबसूरत कुरान पढ़ते होंगे एक मरतबा नबी करीम करीन सस्जिद में तशरीफ़ लाए था जदत का वक्त था एक तरफ़ देखा कि हज़रत हज़रतबर सदीक रज़त नफल पढ़ रहे हैं और आहिस्ा कुरान मजीद पढ़ रहे हैं दूसरी तरफ हज़रत उमर हज़रतम रज नजरा ऊंची आवाज़ से कुरान मजीद पढ़ रहे हैं तहाजद में दोनों तरह पढ़ने की इजाज़त होती है जब दोनों पढ़ लिए दोनों ने तो नबी करीम सन पूछा वो बकर तुम आहिस्त क्यों पढ़ रहे थे तो उन्होंने जवाब दिया अल्लाह के नबी वसम में उस ज़ात को कुरान सुना रहा था जो दिलों के राज भी जानती है तो मुझे ऊंची पढ़ने की क्या ज़रूरत है फिर उम्र ने फारोक़ रजीला से पूछा तो ऊंचा क्यों पढ़े थे तो फरमाया अल्लाह के नबी वसम में सोए हु को जगा रहा था शैतान को भगा रहा था सुबह अल्लाह क़ुरान पढ़ा जाता था शैतान जगहों से दूर हो जाता था अल्लाह रबित की राहमतें हुआ करती थी आज भी अगर हम अपने घरों में कुरान को ऊंची आवाज़ से पढ़ेंगे मोहब्बत के साथ पढ़ेंगे तो अजीज़ी बेटी और अल्लाह ताला की रहमतें हम अपनी आंखों के सामने देखेंगे कुरान पढ़ने में खलूस हो तो ऐसा क्या अजीब मोहब्बत खलूस हुआ करता था कि एक मरतबा नबी करीम मस्जिद में तशरीफ़ लाए उस वक्त हज़रत अबी इब्न काब रजन कुरान मजीद पढ़े थे सबाक्रमजमाइन में उस्ताद और कारी की हसीित से वो बहुत ज़्यादा मशहूर थे नबी के नीन करीब से, से गुजरे और खड़े हो गए जब उन्होंने देखा कि अल्लाह के ससम तशरीफ़ लाए तो वो भी खामोश हो गए नबी ससम ने फरमाया, फरमायाबन कुरान पढ़ो उन्होंने आगे से जवाब दिया अल्लाह के नबी ससम, जी आप पर नाजिल हुआ मैं आपके सामने कैसे पढ़ूँ नबी ससम ने फरमाया हाँ मुझे इसी तरह हुक्म दिया गया अल्लाह अकबर कबीरा फ़ौर पहचान गए कि ऊपर से इशारा हुआ होगा चुनाचे पूछा अल्लाह के नबी सम्मानी क्या अल्लाह ने मेरा नाम लेकर कहा नबी नाम नाल्लह उसमान हाँ अल्लाह रबुज़त ने तेरा ही नाम लेकर कहा है इब्ने काब से कहो कि कुरान पढ़े अल्लाह अकबर कबीरा और तेरा महबूब ससम तेरे सामने बैठकर और क्रीम परवरदिगार हर्ष पे तेरे कुरान को सुन गया सुबह अल्लाह वो कितने खुशनसीब लोग थे कितने खलूस और महब्बत से कुरान को पढ़ा करते थे कुरान की अज़मत कुरान की शान और फजीलत को पहचानते थे कि अल्लाह ताला की तरफ से अर्श फ़र्श पर जो है फरमाइशें आया करती थी काश हम में भी ऐसे कुरान की मोहब्बत, दर्द और अजमत शौक शौक़ पैदा हो जाए और हजरत फातमा फातमत जहर रजी अल्ला त देखिए एक मरतब सर्दियों की लंबी रात में तहजद के वक्त में दो रकत नफल की नीयत बांधी तबीयत ऐसी जज्ब में गई ऐसा सोज ऐसा कैफ और ऐसी तबीयत मचल रही थी कि दिल चाह रहा था कि पढ़ती ही रहूँ पढ़ती रहूँ एक एक आयत को मज़े लेके पढ़ती रही उन्होंने जब खूब कुरान पढ़ा सलाम फेरा तो क्या देखती हैं सुबह सादिक के करीब है दुआ के लिए हाथ उठाती हैं रोने लग जाती हैं और कहती हैं अल्लाह मैंने तो दो रकत ही की नीयत बांधी थी तेरी रात भी कितनी छोटी हो गई कि दो रकत में तेरी रात मकम्मल हो गई वो कैसा खूबसूरत कुरान पढ़ने के लिए तरसा करती थी मचलती थी उन्हें रातों के छोटा होने का शिकवा हुआ करता था अल्लाह अकबर कबीरा उन्हें कितना मज़ा आता होगा अजीज़ी बेटियों बस ये सोचें कि अब हमने कुरने मजीद के साथ वही मोहब्बत और इश्क का जो है जज्बा पैदा करना है आज हम देखें जब आइसक्रीम खाते हैं हर हर चम्मच के ऊपर हमें मज़ा आता है जब कोई खट्टी चीज़ खाते हैं गोल गप्पे या कोई चाट वग़ैरह खाते हैं तो उसके ऊपर हमें मुंह में पानी आ रहा होता है तो बिल्कुल जो कुरान से मोहब्बत करते हैं उसकी अजमत शान को पहचानते हैं तो उनको बड़ा मज़ा आता है हर हर आयत के ऊपर पढ़ने के ऊपर मज़े लेते हैं जब कुरान सुनते हैं उनकी कैफियत बदल जाती है इसलिए तो कुरान मजीद में फरमाया वायजा सामियो मंज़िला

कैसा वो खूबसूरत कुरान को के उनके दिल मचलने लग जाते थे और कैसे अल्लाह के साथ वो रज़ की बातें किया करते थे वमालाना मिनुबिल वमा जाह उन्नत मिला रब्बूनकॉम सालिहीन अल्लाह अकबर अल्लाह कहते थे क्या हो गया हम क्यों इस हक बात को और क़ुरान के ऊपर ईमान कैसे ना लाएं वो कैसे दुआएं मांगा करते थे तो अल्लाह ताला भी फिर अल्लाह उनकी बात को कैसे सुन के कैसे सुबहान अल्लाह उनको जवाब फरमाते थे आशा बहुमलू बिमाकाल वो जो कुछ अल्लाह से मांगते थे अल्लाह ताला उनको फिर अता भी फरमा दिया करते थे अल्लाह अकबर कबीरा अल्लाह हर दौर हर ज़माने में इस कुरान से इश्क़ करने वाले अजीज़ी बेटियों बहुत गुजरे सारे मेरे जैसे तो नहीं होते कुरान से मोहब्बत करने वाले बड़े लोग हैं जो उसकी अजमत और शान को पहचानते हैं जब किसी चीज़ को इंसान हाथ में पकड़ता है या उसके पास आती है जब तक उसे उसकी कीमत का उसकी अज़मत का उसकी फ़ज़ीलत का उसकी इंपॉर्टेंस उसकी ग्रेटनेस उसकी वैल्यू का पता ना हो तब तक तो वो उसको कुछ पहचानता ही नहीं इसलिए जिस पेटियो पढ़ने से पहले इसकी अज़मत शान और इसके पीछे हमें कुछ ना कुछ जानना ज़रूरी है ताकि जब हम अपने हाथों में लेके कर बैठें हमें एहसास हो कि हमने इससे कैसा इश्क करना है कैसी मोहब्बत करनी है दुनिया में कोई दूसरी ऐसी किताब नहीं जिससे इस क़दर मोहब्बत की गई हो जितनी इस कुरान से मोहब्बत की गई अजीजी बेटियों से तन्हाइयों में पढ़ के रोया गया इसे महफिलों में पढ़ के रोया गया इसे रात के अंधेरों में पढ़ के रोया गया इसे दिन की रोशनी में पढ़ के रोया गया इसे तहत लफ्ज जो है पढ़ा गया इसे बुलंद आवाज़ से पढ़ा गया इसे पढ़ पढ़ के रोया गया सुन सुन के इसके ऊपर आंसू बहे इसके एक एक लफ्ज़ के ऊपर मेहनत की इसके एक एक हर्फ को हिफ्स किया गया याद किया गया इसके एक एक लफ्ज के मानी को समझा गया इससे मोहब्बत करने वालों ने अपनी पूरी पूरी ज़िंदियाँ कुरन सन्नत की इस कुरान की ख़दमत करते करते गुजार दी और बिलाआर ये कहते हुए गए अल्लाह तो हमें अगर उम्र सलाम भी अता कर देता तो हम पूरी ज़िंदगी इसको क़ुरान को पढ़ने पढ़ाने में गुजार देते देखिए हज़रत सलाम की उम्र कितनी थी साढ़े नौ सौ साल तो उन्होंने दावत तबलीग का ही काम किया था अल्लाह अकबर उनके दिलों में कितना शौक हुआ करता था कि अल्लाह अगर आप हमें इतनी लंबी उम्र भी दें तो हम पूरी ज़िंदगी इस कुरान को पढ़ने पढ़ाने में गुजार दें भला बताएं तो सही जी बेटी हो कोई और ऐसी किताब है जिससे इंसान ने यूँ मोहब्बत की हो हरगिज़ नहीं कोई दुनिया की ऐसी किताब नहीं जिसको पढ़ के इसके साथ ऐसी मोहब्बत की गई हो हत्या के नॉन मुस्लिम लोगों के कितने वाक़ हम अपने लेफ़्ट राइट देखते रहते हैं उनको नहीं पता कि उन्होंने गाने के तौर पर इसकी मुख्त सूरतों को इर्द गिर्द के साथियों ने उनको उन्हों बता दी उन्होंने सीख ली उन्होंने इसको गिटार के ऊपर पढ़ते हुए इतना लज्जत और मज़ा और सुकून महसूस किया लोगों को बताते हैं अपने वाक़ कि आई एम फीलिंग नेचुरल हाई कि हमें इस सॉन्ग को इस म्यूजिक को करके कितना मजा आता है क्यों ना हो अजीजी बेटी अगर अगरचे वो इसको मानते नहीं मगर फिर भी देखे उनकी जिंदगियों में कुरान हत्या कि, कि वो इसको एक म्यूज़िकल साउंड के तौर पर फातिहा को पढ़ते हैं और उसके बावजूद वो उनके दिलों के ऊपर असर करके जाती है और वो लोगों को बुला बुला के कहते हैं कि आई एम फीलिंग नेचुरल हाई तो हम तो इसको जानते भी हैं पहचानते भी हैं मानते भी हैं इसकी अज़मत को भी पहचानते हैं इसकी फ़जीलत इसकी कदर व कीमत सुबह अल्लाह तो हमारे दिलों पर क्यों असर नहीं होता हमसे पहले वालों को भी इस क़ुरान की वजह से इज्जत नसीब हुई नबी करीम ससमगारे हीरा से यही तो लेकर आए थे इसलिए फरमाया कि उतर कर हीरा से सोए काम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया वो बिजली का कड़का था यह सौतहादी अरब की जमी जिसने सारी हिला दी अल्लाह अकबर कबीरा सहबा के राम रान तो कुरान को सीने से लगा कर निकले थे जिधर जिधर जाते थे उन कामयाबियाँ उनके कदम चूमती थी ये अजीजी बेटियों कुरान ही की बरकत तो थी कि अफ्रीका के जंगलों में रहने वाले दरिंदों ने सहाबा के की एक आवाज़ के ऊपर सारे जंगल को ख़ाली कर दिया ये कुरान ही की बरकत है कि दहशत सहरा जो भी हैं सहाबिक रामजन के लिए उनके मिशन की तकमील में कभी रकावट ना बन सके इसलिए कहने वाले ने यहाँ तक भी कह दिया बात क्या थी कि ना कैसर कसरा से दबे चंद वो लोग के ऊंटों के चराने वाले जिनको काफूर पे होता था नमक कदों का, का बन गए दुनिया की तकदीर बदलने वाले अल्लाह अकबर वो क़ुरान पढ़ते चले जाते थे उस पर अमल करते चले जाते थे इधर क़ुरान मुकम्मल होता था उधर उनका अमल मुकम्मल हो जाया करता था वो सिर्फ़ हाफज कुरान न थे वो सिर्फ़ कारी कुर न थे बल्कि वो आम्ल कुरान होकर ज़िंदगी गुजारा करते थे वो नाशरे कुरान हुआ करते थे बल्कि सच पूछें अजीज़ी बेटियों वो तो आश के कर्न हुआ करते थे आज मैं और आप भी इज़्ज़त की ज़िंदगी चाहते हैं तो हमें भी ऐसे ही आश के कुरान बढ़ना पड़ेगा वो वो ज़माने में मज्ज थे मुसलमान होकर और हम ख़ार हुए तार के क़ुरान होकर सच्ची और सच्ची इसकी मोहब्बत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ़कत ऐसे नहीं होगा कि मारे बाँधे बैठने से और सिर्फ़ एक फॉर्मेलिटी पूरी करने से या हम कहेंगे हाय अल्लाह रोज़ाना मुझे इतना पढ़ना पड़ेगा इस तरह करने से हमें कुरने मजीद का वो इश्क मोहब्बत उसकी बरक़ात हमारे घरों में हमारे बच्चों में हमारे ख़ानदान में वो चीज़ें नज़र नहीं आएंगी हमारे चेहरे का वनूर दिल का करार और सुकून वो चीज़ें नहीं मिल सकेंगी फ़कत ये नहीं कि वो अच्छा बस मैं जल्दी जल्दी से इतना जो है पढ़ लूँ ताकि बस अपने दिल को तसली दे लूँ जैसे बच्चे डिग्रियाँ लेने के लिए करते हैं वह तो फ़कत दुनिया की डिग्रियाँ होती हैं अजीज़ी बेटियों हमारा मामला क़ुरान के साथ दुनियावी डिग्रियों वाला नहीं है हमने इसको मारे भाँधे नहीं पढ़ना ये देखें यह इज्ज़त अज़मत कैसे देता है सहाबाक राम जिलमिन से कितने हजरात ऐसे थे जिनको क़ुरान की वजह से अल्लाह ने वो इज़्ज़त ता फ़रमाई जो उनको पहले कभी हासिल नहीं थी हज़रत उमर फारूक रसना एक मरतबा मक् मक्रमा में एक लश्कर के साथ किसी रास्ते में जाते हुए पहाड़ी के एक दामन में रुक गए सख्त गर्मी का मौसम था लोगों को पसीना बहुत आ चुका था सख्त तंगी थी अमीर उलोमिन खड़े थे इसलिए पूरी फौज साथ ही इंतज़ार करने लगी खड़ी हो गई अमीरुमोमिन तुमने फारूक रजोना नीचे वादी में देख रहे थे करीब वाले जो थे उन्होंने पूछा मोमिन क्या हुआ आप यहाँ खड़े कुछ देख रहे हैं और आपकी वजह से पूरा लश्कर पीछे खड़ा हुआ है हज़र तुमने फ़ारूक रजन रोने लगे और जवाब दिया कि मैं इस वादी में जब लड़कपन में इस्लाम लाने से पहले अपने ऊँट चराने के लिए आया करता था लेकिन मुझे ऊँट चराने का तरीक़ा भी नहीं आता था मेरे ऊट खाली पेड़ शाम को घर चले जाते थे जब मैं घर वापस जाता तो मेरा वालिद खिताब जो था मुझे मारता था और कहता था उमर तू भी क्या इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारेगा तुझे तो ऊँट चराने का तरीका भी नहीं आता मैं अपने उस वक्त को यहां खड़ा होकर याद कर रहा हूं ए उमर तू वही तो है तुम्हें तो ऊंट भी चलारे नहीं आते थे और आज इस वक्त को देख रहा हूँ जब मैंने क़ुरान को पढ़ा क़ुरान को सीखा जब मैंने इस्लाम को कबूल कर लिया तो अल्लाह ने इस कुरान और इस्लाम के सदके मुझे अमीरुल मोमिनीन बना दिया अल्लाह फरमाया करते थे अल्लाह तआला बिहाजत दीन इस्लाम अल्लाह ने मुझे इस दीन इस्लाम की बरकत की वजह से आज इज़्ज़त फ़रमा दी इसलिए जीजी बेटियों इसको सिर्फ़ हमने तो रट्टू की तरह पढ़ना नहीं है इसको हमने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना है पढ़ना एक काम है ये पूरा काम नहीं जब तक कि इसके ऊपर अमल नसीब नहीं होता तो तब तक जो है हमें इश्क नसीब नहीं होगा इसलिए हमें अल्लाह ताला के साथ यही करना है कि अल्लाह हमें इसका आशिक भी बनाए आज भी दुनिया में कुरान के आशिक मौजूद हैं लाहौर के करीब एक ख़ानदान है अल्लाह अकबर कबीरा अजीब उनको देख के सुन के कब से वो ख़ानदान चल रहा है और आज तक उसकी ये शान बाकी है उनके बड़ों में एक शख्स था जो उनके दादा थे उनको कुरान से बहुत प्यार था मोहब्बत थी बड़ा इश्क था वो हर वक्त कुरान ही पढ़ने की कोशिश करते थे जब उन्हें वक्त मिलता कुरान खोल के बैठ जाते वक्त जब उम्र ज़्यादा हो गई तो मस्जिद में ज़्यादा वक्त गुजारना शुरू कर दिया तो हर वक्त कुरान पढ़ते रहते थे वहाँ पे कोई स्पीच देने के लिए मस्जिद में आया और स्पीच के दौरान किसी ने बातों बातों में यह तस्करा कर दिया कि जो शख्स जो है रोज़ाना क़ुरान पाक को मुकम्मल कर लेगा और चंद दिन वो ऐसा करेगा अल्लाह तबारक वाता फिर उसकी नस्बतों में इसकी बरकत और ख़ैर को रख देंगे अल्लाह अकबर कबीरा तो लिहाजा उसने अपने दिल में इरादा किया वो तो पहले कुरान के आशिक थे तो उन्होंने अपना मामूल बनाया कि वो उन्होंने न गर्मी देखी ना सर्दी देखी न सेहत ना बीमारी न सफ़र ना हिजर न गम ना मुसीबत और पता नहीं क्या कैफियत होती थी अल्लाह अकबर कबीरा तो उन्होंने क्या किया रोज़ाना एक कुरान पाक मुकम्मल करने का मामूल बना लिया आपको याद है कि वर्कशॉप के अंदर वर्क इस फकीनी ने आपको सहाबा के वाक़ और के वाक़ में वो क़ुरान पाक कितने पढ़ा करते थे रमज़ान में और कैसे रोज़ाना कुरान पाक मुकम्मल किया करते थे आज तो हमें अजीब सा लगता है हम साल में कुरान पाक मुकम्मल नहीं कर पाते हमारे लिए ये बातें बहुत अजीब सी हैं ऐसा हरगिज़ नहीं है इसलिए आपको वर्कशॉप में कुछ वाक़ात सुनाए थे कि आपको इश्क मोहब्बत और ये नस्बत और जो है लुत्फ़ और मजा नसीब हो जाए आपको पता चले कि वो लोग भी तो थे और इधर हम लोग ऐसे हैं कि एक दफ़ा कुरान मजीद को सुनना सीखना समझना हमारे लिए मुश्किल नज़र आ रहा था कोई खुश नसीब बहन बेटी बी और माँ होगी जो मोहब्बत के साथ पहले से इंतजार करती होगी अपना कुरान पाक लेके अपना जो है कलम लेके बैठती होगी आए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए और मेरे अल्लाह का ये कलाम मेरे नाम है ख़त भेजा हुआ है मैं इसके अंदर देखूँ मेरे अल्लाह ने मेरे नाम क्या पैगाम दिया है और इस नीयत से वो उसको लिखती चली जाए कि मैंने इसके ऊपर अमल करना है मैंने अल्लाह के अपने रब की बात को मानना है दुनिया में हम कहते हैं सहेली की बात ना माने दोस्त की बात ना माने फलां रिश्तेदार की यह शौहर की या फलां की बात ना माने तो हाय पता नहीं क्या हो जाएगा ये हाय आए वहां क्यों नहीं निकलती कि अपने रब का कलाम पसे पुस डाल दिया उसको हम ध्यान और तवज्जो नहीं देते सालों साल इसके ऊपर मिट्टी और डस्ट और रस्ट पड़ती रहती है सिर्फ कुरान खानी करने के लिए उठा लेते हैं नया घर बनाएं तो उसमें याद आ जाता है कोई मर जाए तो याद आता है जहेज़ में देने के लिए याद आता है कस्में उठाने के लिए याद आता है ये कुरान का सामना हम कैसे करेंगे अल्लाह का सामना कैसे करेंगे बहारण खुश नसीब हैं जो सुबह अल्लाह रोजाना पढ़ने के मज़े लेते हैं लिहाजा उन्होंने कुरान पाक को मुकम्मल करना शुरू कर दिया फरमाने लगे उसका ये असर हुआ कि अब तक उनकी जितनी औलाद बेटे बेटियाँ पोते पोतियाँ नवासे नवासियाँ हैं कोई हमारे ख़ानदान में ऐसा नहीं जो सात साल की उम्र को पहुंच जाए और वो हाफज कुरान ना हो अल्लाह अकबर कबीरा अल्लाह तला यूँ फिर जो है क़ुरान के फैज़ और नस्बत को नसर दर नसल आश के कुरान के खानदान में जारी कर देते हैं अल्लाह अकबर की पाक से मोहब्बत आज करेंगे तो अजीजी बेटियों शिफात मिलेगी खाली सूरत बबारक लज़ी बिलमल्क पढ़ के ऐसे नहीं हो जाएगा उसके अंदर देखे मेरा ला चाहता क्या है फरमाता क्या है अल्लाह तबारक व वा वाली हमसे क्या चाह रहे हैं हदीसी मुबारक में आता है कि एक नौ कुरान पाक को एक नौजवान की शक्ल में पेश किया जाएगा कुरान मजीद अल्लाह रब्ल से शिफात करेगा कि अल्लाह जिन लोगों ने मुझे याद किया जो मेरी तलावत किया करते थे दिन रात जो है मेरी फिक्र और मुझे जो है याद करने तिलावत करने में लगाते थे उन्होंने मेरा हक़ अदा कर दिया वो मेरे मोने से गमगोसार थे मुझसे मोहब्बत करने वाले थे मैं उनका मेहमान था उन्होंने मेरी खूब मेहमान नवाजी का हक अदा कर दिया है अल्लाह आप उनको जन्नत में भेज दीजिए अल्लाह ताला कुरान मजीद की शिफात को उनके हक़ में कबूल करेंगे आपको पता है ना रोज़े ने भी शिफात करनी है ये कुरान ने भी शिफात करनी है अलैक ये कुरान मेरे और आपके हक में बोलेगा या हमारे ख़िलाफ़ गवाही देगा याद रखना जीजी बेटियों तो इस वजह से ये नहीं कि बैठ के हम जो डिग्रियाँ लेने के लिए और जी जी मैं जी एक जो है फॉर्मे टी करने के लिए ऐसे नहीं होगा अजी इसका इश्क सीखें इसकी मोहब्बत सीखें इसकी अज़मत दिल में लेकर आए सबसे पहले तो अज़मत का होना बहुत ज़रूरी है और फिर फरमाया जिन्होंने क़ुरान का हक अदा नहीं किया फिर अल्लाह तबारिक व ताली कुरान की जब मुकदमा कर देगा रिट कर देगा अल्लाह ताला उसके इस मुकदमे को कबूल कर लेंगे तो उन लोगों को अल्लाह ताला आग की जंजीरों से बांध कर जहन्नम में डालेंगे अब क्या बनेगा इसलिए आज मोहब्बत कर लें ताकि ये कुरान हमारे हक में शिफात करने वाला बन जाए याद रखना जो इंसान भी आलम कुरान बनेगा हाफज कुरान बनेगा कारी कुरान बनेगा दाइ कुरान बनेगा नाश कुरान बनेगा आमले कुरान बनेगा के अखलास की वजह से अल्लाह ताला उसको पूरी दुनिया में भी इज़्ज़त तो वक़ारता फ़रमाएंगे इसलिए आपने देखा जो सही मानों में क़ारी कुरान हाफज कुरान अल्लाह कभी भी उसको भूखा नहीं मानता मारते वक्त के डटरों को तो आप एड़ियाँ रगड़ते हुए देखेंगे कोई कुरान का आशिक हो कुरान से मोहब्बत रखने वाला आप उसको कभी भूखा मरता हुआ नहीं देख सकते दुनिया में उठने वाले उसके कदमों को अल्लाह तला सदतमंद बना देते हैं ये इसी वजह से कि उस इंसान ने इस किताब कुरान मजीद के साथ अपनी नस्बत को पक्का कर लिया तो इस वजह से अल्लाह ताला फिर उस इंसान को इज्जत देते हैं उस कुरान की इज्जत की वजह से लहज़ा है मोमिन की नई शान नई आन वफतार में किरदार में अल्लाह की बुरहान ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमिन कारी नज़र आता है हकीकत में है कुरान फिर इंसान यूँ महसूस होता है इसलिए आयशा सदी से पूछा कि नबी करीम के अख्लाक क्या थे फरमाया काना खुल्कुल कुरआन कि नबी के अख्लाक तो क़ुरआन का नमूना थे अगर क़ुरआन को कोई मुजस्म शक्ल में देखना चाहता है तो मेरे महबूब सल वसम को देख ले आप चलते फिरते कुरआन की माने थे आज भी जो इंसान इस कुरान के आयात को अपने ऊपर अप्लाई कर लेता है वो इंसान भी अजीजी बेटियों कितना प्यारा लगता है मन मोहना लगता है कितना उसके ऊपर प्यार आता है कैसे लोग उसकी तरफ खिस्ते चले जाते हैं वो चलते फिरते कुरान की माने होता है जिधर वो कदम डालता है अल्लाह उधर ही बरकतों के दरवाज़े खोल देते हैं जिधर उसकी नज़रें पड़ती हैं अल्लाह ताला की राहमतें उधर ही उसे ढांप लेती हैं तो ये कुरान की इज़्ज़त वकार है तो इसे फरमाया हदीसी मार्के का माफूम है कि हज़रत अबू बकर मुबक्कर तैन ने सूरह बकरा को अढ़ाई साल में मुकम्मल किया जबकि उनकी ये मदर लैंग्वेज थी उनको पढ़ने में फिर क्या वक्त लगता होगा क्या दिक्कत होती होगी हकीकत ये थी कि वह कुरान की आयत पढ़ते थे अजीज़ी बेटियों उसके ऊपर अमल किया करते थे इधर मुकम्मल होता था उधर उनका अमल मुकम्मल हो जाता था इसे हज़त मन के अमल बिलकुर के बारे में कहा जाता है काना विफाकन एन कि जो अल्लाह के काम सुनकर अपनी गर्दन को झुका दिया करते थे तो ये बात ही हमने जब सुरफातः शुरू करनी है तो हमने इसी तरीके से ये तमाम चीज़ें अपने दिल में रखते हुए इन कामों को शुरू कर देना है जब हमारी ज़िंदगी में कुरान मजीद के साथ ऐसा अमली ताल्लुक पैदा हो जाएगा तो अल्लाह ताला आजीजी बेटियों फिर हमें इज़्ज़त फ़रमाएंगे अपनी ज़िंदगियां कुरान के लिए वक्फ़ करनी चाहिए आम लोगों की हालत को देखकर हमें रोना चाहिए कि अल्लाह हमारे घरों के अंदर कुरान पाक ऐसे यूँ ही ना रखा रहे कि हमें उसको पढ़ने की फ़ुर्सत ही ना हो अल्लाह हमें हो में से ना करना अल्लाह ताला हमें रद्द ना करना जब कुरान नाजिल हो रहा था तो उस वक्त दुश्मन एक दूसरे को बैठ कर तलकिन करते थे जब कुरान पढ़ा जाए तो तुम उसमें शोर मचाना अल्लाह अकबर ला अल्लाह को ता ताकि तुम गालिब आ जाओ मगर कुरान ने बता दिया कि नहीं 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 गलबा इस तरह नहीं मिलता गालिब होने के लिए तो कुरान ही को भेजा गया है जो लोग इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे अल्लाह ताला फिर उसे दुनिया में भी गलबाता फ़रमाएंगे और आख़रत की इज़्ज़तें तो मिलेंगी मिलेंगी क्योंकि ये किताब कुरान मजीद सिदाकतों का मजमू है हकीक़ का खजाना है सच्चाइयों से भरी हुई किताब है ये अल्टीमेट रियलिटीज ऑफ द यूनिवर्स है कायनात की सदाकतें इसे ही कहते हैं सहबा कराम जज को जो गलबा मिला इसी कुरान के सदके व नाजीजी बेटियों देखें एक नज़र गौर करें इब्तदा में क्या था वो वक्त था जब कुफ़ार बहुत ज़्यादा थे और सहाबा कराम बहुत थोड़े थे उस वक्त वो कुंडी लगाकर एक दूसरे को कलमे की तालीम दिया करते थे फिर अल्लाह ने एहसान कर दिया फरमायाब गुरु तुम याद करो ऐन तुम कलील जब तुम बहुत थोड़े थे मुस्ताफू नफिल अर्द ज़मीन पर बहुत कमजोर थे तखाफू तुम बड़ा डरा करते थे आई युन्नास के कहीं लोग तुम्हें उचक न ले आज हमारी हालत है फिर दोबारा यही होगी आवाकुम अल्लाह ने तुम्हें ठिकाना दे दिया वयद कुम भी नस रही अपनी मदद से तुम्हें मजबूत किया व रजा का बात अल्लाह फरमाते मैंने तुम्हें पाकिजा रिस्क भी अदा कर दिया अल्लाह कुम अल्लास्कर ताकि तुम अपने अल्लाह का इस बातों के ऊपर शुक्र अदा करो अल्लाकबर कबीरा अल्लाह ताहते थे कि किसी तरह जो है अपने नाम को बुलंद करें अल्लाह तबारिक ने जो लोगों ने मुखालफत की उसको जड़ से काट दिया अल्लाह ताला फरमाते अरसला हो बिल हुदा व दीन हक, अल्लाह ताला ने अपने रसूल को ये हदायत का कानून और सच्चा दीन देकर भेजा आज हम इससे पीछे हटे हुए हैं न अल्लाह का कुरान देखें क्या बता रहे राहुल्दीन कुल्ली ही, ही ताकि इस दीन को सारे दूसरे दीन के ऊपर अल्लाह तालिब कर दें फरमायावमुश्रकूँ व हल्का फिर चाहे इनको ये बात पसंद आए या ना आए अल्लाह तरमाते नूर अल्लाहब अफवाहिम इनकी कैसी अजीब सी सोच है ये सोचते हैं कि अल्लाह के नूर को फुलकों के जरिए से ख़त्म कर देंगे अल्लाह अकबर फरम अल्लाह मत तुम नूरी अल्लाह तो इस नूर को पूरा करने वाले हैं वलो वा का ही हल्का फिर चाहे ये इनको पसंद आए ना आए तो दुनिया में फूकें मार कर कैसे कोई इसको भुजा सकता है इसलिए जीजी बेटियों नूर खुदा है कुफर की हरकत पे खनदजन फूंकों से ये चराग भुजाया ना जाएगा इसलिए अल्लाह तबारिक व ने क्लियर कट मुझे और आपको ही ये बात बताई जो अल्लाह ताला नबी करीम सम को फ़रमा रहे हैं कि जब अल्लाह ताला फरमाते हैं वही यम कर बिका लजीन का फ़रू ए महबूब ससम जब ये आपके साथ प्लानिंग कर रहे थे कि हर कबीले में से एक, एक, एक बंदा जाएगा रात को घेर लेंगे सुबह जब नमाज के लिए जाएंगे तो हम इनका मामला ख़त्म कर देंगे फरमाया ये लोग इतना आसान समझते हैं वो बैठे अपनी प्लानिंग कर रहे थे अल्लाह फरमाते हैं मैं अपनी प्लानिंग कर रहा था कदम अ करना मिन कबली मेरे महबूब उन्होंने आपसे पहले वालों के साथ भी ऐसी प्लानिंग की थी लेकिन क्या हुआ फ़ातल्ला बल्यानकवादी अल्लाह उनकी बुनियादों को जड़ से ही उखाड़ दिया अल्ला अकबर फख्रमिनफ़ोकम उनकी छतें उनके ऊपर आकर गिर गईं आताम़ाब उनके ऊपर आसा अज़ाब आया मिन हईसिल शुरून ऐसी जगह से यहाँ उनको शूर भी नहीं था तो आज अगर हम अल्लाह तबारक व तै केन का मजाक उड़ाएंगे उसको पुत डालेंगे उनका अदब एहतराम उसकी अजमत उसका तकदस उसे अपने घर में अपनी महफिल में अपनी तनहाइयों में ऑफिस की कुर्सी में जॉब के अंदर मियाँ बीवी के रिश्ते में आपस के ताल्लुक में तमाम जगहों में इसको हम जो है अप्लाई नहीं करेंगे तो जीजी बेटियों डरो अल्लाह तला के प्लान से अल्लाह तला के अजाब से और जो आज हमारे सामने हैं हम आंखें बंद करके बैठे हैं खुदा रजीजी बेटियों इसकी अजमत पहले दिल में डालो इसकी फजीलत को पहचानो और उसके बाद बाद उसी असमत के साथ मोहब्बत और अदब के साथ इसको पढ़ना शुरू करो ताकि हमें पता चले कौन सी अज़ीम किताब मेरे हाथ में पकड़ी हुई है और उसके लिए मुझे कैसे रातों को उठ के रोना है कैसे अल्लाह से मांगना यह नहीं होगा कि दो घंटे बैठ गई दौरा कुरान कर लिया और हाथ झाड़ के उठ के चल दी नहीं इसलिए ये बताया जा रहा पता चले इस कुरान का हक़ क्या है अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने उनके प्लान को ज़ाया कर दिया फ़ला तुम सुस्त न बनना वाला तहजनू तुम गम भी न करना व अन इन इनकुन तुम मुमिनीन अगर तुम पक्के ईमान वाले हो तो इज्जतें ही मिल के रहेंगी मोमिन के साथ गलब वादा है क़ुरान में तो मोमिन है और गालिब नहीं तो नक्स है तेरे ईमान में इसलिए फरमाया ईमान का कसूर है जिसकी वजह से आज दुनिया में हम जलील ख़ार हो रहे हैं लोग हमें मुंह पे थूकते तक नहीं है वजह यही कि आज हमने अपने क़ुरान को भुला दिया रब के फरमान को भुला दिया इसलिए जब कुरान की ये आयत नाजिल हुई थी अम मल तोम वम तोम नज़ीनाफ़रु मंदीन कम तो उनके दिल बहुत परेशान हो गए थे मायूस हो गए थे अल्लाह अकबर और आज हम डरने बैठ गए हैं वजह यही कि आज हमने कुरान छोड़ा हमारे अंदर खौफ और हरास बैठ गया ये कुरान को पकड़ें अल्लाह ताला की मदद आसान है अल्लाह का वादा है फरमाया पलड़ा तुम्हारा ही भारी होगा फरमाते अल्लाह मिन फियतिन कलीलतिन कितनी बार तुमने देखा नहीं क्या किया मैंने गलबत फियतन कसीरतम बज़न ला तुम कितनी थोड़ी तादाद में थे मैंने तुम्हें कितने भारी लोगों के ऊपर गलबा अता कर दिया व्ला मास्वाबरीन अल्लाह ताली फिर फरमाते वादा कर दिया है मदद का अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लाजीना आमनु जो लोग भी ईमान लाते हैं फिलहि दुनिया दुनिया की ज़िंदगी में व यूमय यको या मशाद और उस दिन भी जिस दिन गवााहियाँ कायम होंगी तो अल्लाह ताला फरमाते फिर उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं वो डरे नहीं इज्जतें और जो है कामयाबियाँ उन्हीं के साथ हैं इसलिए फरमाया ए इंसान हो नहीं सकता तेरे हाथ में हो क़ुरआन तो दुनिया में रहे परेशान तेरे हाथ में हो क़ुरआन तो दुनिया में रहे नाकाम तेरे हाथ में हो क़ुरआन तो दुनिया में रहे गुलाम गुलाम नफ्स की हो शैतान की हो या किसी इंसान की हो ना 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 हमें कहता है ये क़ुरआन ए मानने वाले मुसलमान इकवा व रबल अक्रम तू पढ़ कुरआन तेरा रब करेगा तेरा इकराम तेरा रब तुझे इज़्ज़त देगा वकार देगा तेरे ज़ाहिर और बातिन को निखार देगा मगर आज अजीजी बेटी अफसोस के हमारी हालत काबिल रहम हो चुकी है हम इस कुरान को भूल चुके हैं सिर्फ दुनियादारी के लिए हमने मेडल लेने के लिए दुनिया की वाहवा मकसूद करने के लिए पैसा कमाने के लिए हमने इस कुरान को लगा लिया एक पैसे की मशीन बना लिया अल्लाह अकबर कबीरा कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह के, के महबूब ससम की आमद के दिन कहीं वक़ाल रसूल यार अबी इन्ना कौमता खजू हाजल कुरान मजूरा ए अल्लाह बेशक मेरी कौम ने तो कुरान को पसे पुष डाल दिया था इसलिए जीसी बेटियों आज हाँ जिसे इस कुरान से मोहब्बत करनी है ये हमारी तमाम बीमारियाँ टेंशनें डिप्रेशन जितनी हमारी प्रॉब्लम्स हैं झगड़े हैं चाहे जिसमानी तौर पर बीमारी है रूहानियाँ है ये तमाम चीज़ों का इलाज है ये नुस्ख़े शिफा है जो अल्लाह ताला ने हमारे हाथ में दे दिया काश कि आज हम समझ जाएं, हम इन नुस्खे से फ़ायदा उठा लें गैर फायदा उठाने वाले बन गए ये हमारे हाथों में है हमें अल्लाह ताला ने बिन मांगे हमने कोई एप्लीकेशन नहीं दी थी अल्लाह ने मुसलमान घराने में पैदा कर दिया आज हमारे पास मौजूद है लेकिन हम समंदर के किनारे पे बैठ के प्यास की शिद्दत से मर रहे हैं ऐसा ना कीजिए अजीज़ी बेटियों ये नुस्खा शिफ़ा है जो अल्लाह ने मेरे और आपके हाथ में दे दिया क़ुरान से पूछिए यह कैसे नुस्खा शिफा है तो अल्लाह ताला जवाब देते हैं व यशफ़ी सदूरा कौमिन मुमिनीन ये क्या है तुम्हारे दिलों की भी शिफा है शिफा उलिमा फ़ि सदूर मुमिनीन व ला शिफ़ा उमहतमिनलायजीदालमिन कुल शिफ़ा देखा ये कुरान मजीद किस तरह से हमारे लिए शिफा का जरिया है इसलिए बेटियों इसकी अज़मत तो अपने जहन में रखें अल्लाह ताला ने कैसे इसकी आज़मत हमारे साथ बढ़ा दी अब इससे पहले कि हमारा कुरान शुरू होगा हमने इसके कुछ आदाब जहन में रखे जिन आदाब को साथ रखते हुए हमने कुरने पाक को इन शीखना है उन आदाब का हम थोड़ा तस्करा करते हैं कुरान वजीद में इसके आदाब ख़ुद बता दिए आदाब कुरान के बारे में आयत मुबारक नाजिल हुई हुईं ला लायमुसमतर वरात तिल्कुरआन तर तीला अरमान क़ुरआन वाइज़ा करातल फस्ताइज़ फ़स्त मिनश शैतान वजिम यत्लू ना हक्का तिलावती फ़रा उमात यस्सरा फलमाँ हज़र हो क़ाल अंसत फ़ैज़ा क़रील क़ुरआन फ़स्तम अंसतलकुमतरहून ओतलुमा का मिनल्कता सला तमाम की तमाम आयतें कुर पाक के मुख्तफ़ आदाब के बारे में बताई जा रही हैं और इन आदाब में बहुत से आदाब हैं सबसे पहले तो आदाब ताज़ीम कुरान क्या होना चाहिए वो क्या है तो आदाब ताज़ीम क़ुरान के कुरान की अजमत क्या है जो चीज़ें भी अल्लाह की अजमत के निशान हैं और वो अल्लाह के कुर्ब की अमामत हो वो तमाम शारोल्ला कहलाती हैं और उनकी तहज़ीब हमारे पर लाजिम वाजिब है मसलन मिंबर मेहराब क़ाबतुल्ला, मस्जिद अज़ान नमाज़ कुर्बानी, कुरान, ये सब वगैरह वगैरह ये सब अल्लाह ताला के दीन के निशान हैं लिहाजा इनकी तज़ीम वाजिब है इसलिए कुरान कहते व मईम शायर मिन तकवल वालक़लूब इसलिए शुरू से अपने दिल में रखें कि हमने इस कुरान की कैसे अजमत करनी है और उसके बाद ये आदाब तज़ीम हैं क्या सबसे पहली बात कि कुरान को अल्लाह का कलाम मानना और उस पर यकीन काम रखना फिर इसकी अजमत के बायस इसको पढ़ना और तिलावत करना फिर तीसरा इसकी तज़ीम समझ कर पढ़ना और इस पर अखलास के साथ अमल करना और फिर आगे बताए दूसरों को पढ़ाना और समझाना उसके बाद जब कुरान को छूना है तो फरमाया छूने के लिए तहारत कामिल इसकी शर्त है अगर वज़ू की ज़रूरत है तो वजू हो गसल की ज़रूरत है तो गसल भी करे क्योंकि कुरान ने बता दिया ला मुत्ताहरून क्योंकि अक्सर लोग इसको आपको पता है कि बग़ैर वज़ू के और उसके उसी तरह पढ़ होती हैं और फिर नमाज़ में त्ररावियों में भी पढ़ी होती हैं तो इस किस्म के मसाइल फिर इन सूरह बकरा में भी हम लोग देखेंगे लेकिन यह कि जब आप कुरान मजीद अब लिखने के लिए बैठेंगी इनशाला लजीज़ आप ग्लव्स नहीं पहनेंगी अलग से कपड़ा लेंगी और उस कपड़े को आप कुरान पाक के ऊपर साइड पे लिख के यहाँ हाशिया लिखना है और पेंसिल लेके उसके साथ फिर उसको लिखेंगी आप एक ही आयत मुबारक या इसको चूंकि आप पढ़ नहीं रही पढ़ तो ये फ़कीर नहीं रही होती है तो आप इसको सुन सकती हैं पढ़ेंगी नहीं जिन दिनों में कुरान पढ़ना नहीं होता उन दिनों की बात करें इसलिए फरमाया कि नबी ने हकीम बिन हज़ाम रस्तानक को जब यमन भेजते और नसीहत फरमाई थी ला तमसल क़ुरआनाहरन क़ुरान को ना छूना मगर किस हालत में उसको पाकि की हालत में ही तो लिहाजा ये उसकी अज़मत शर्त है हमारे ऊपर और उसके बाद फिर जो है फरमाया इसको कहाँ रखना चाहिए इमाम कुरत भी राम फरमाते हैं कुरान के आदाब अज़मत में से है कि तलावत के वक्त भी इंसान इसको बुलंद मकाम पर रखे चाहे गोद में रखे या सामने किसी रहल वग़ैरह पे ज़मीन के ऊपर कुरान पाक को ना रखे तो इसलिए आप इधर उधर हरम वग़ैरह में जाती हैं ज़मीन के ऊपर क़ुरान होते हैं तो आके अपने घरों में वो नहीं करना शुरू कर देना और इसी तरह कुरान मजीद को पुशत पर नहीं रखना चाहिए और कुरान पर कोई और किताब या समा या कोई दवात या कोई और चीज़ इस तरीके से नहीं रखनी चाहिए हाँ सफ़र में आप कहीं हैं वालत मजबूरी अगर आपने इसको सूट केस में या कहीं चीज़ में रखा हुआ था और कोई ऐसा मसला हो गया आप उधर से ट्रेवल मंगवा रही हैं और उस उधर से आपका क़ुरान आ रहा है तो फिर वो एक्सेप्शनल केस है क्योंकि उसके ऊपर माजूरी आती है और कुरान की तज़ीम उसका अदब यह भी है कि ऐसे कपड़े में न रखा ना रखा जाए जो नापाक हो मैला हो या किसी ऐसी चीज़ का बना हुआ हो जिसका पता न कि किस चीज़ का बना हुआ है ऐसा चमड़ा वगैरह जो नजस या नापाक हो कुरने पाक को जो रद्दी की टोकरी वगैरह होती है और उसमें नहीं डालना चाहिए क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं किरने पाक पुराना हो गया या शहीद होना शुरू हो गया बहुत इसके पेजेस ऐसे हो गए या फिर उसको दफ़न किया जाए और जब दफ़न करना है दफ़न के वक्त भी मिट्टी जो है डायरेक्ट कुरान पाक के सफ़ों पर नहीं डालनी चाहिए बल्कि पहले उसके ऊपर पत्थर या तख्ती वग़ैरह रख कर फिर उससे ढाँपा जाए फिर उसके ऊपर जो है मिट्टी डाली जाए इस तरह जो कुरान कोई ग़लत लिखा हुआ है या ऐसे कुरान की प्रिंटिंग आपके पास आ गई है जिसमें बहुत ज़्यादा गलतियां हैं तो अब आप उसको दफ़न करना चाह रही हैं ज़ाहिर उसको डिस्पोज़ करना चाह रही हैं तो इस तरीके से करेंगे और कुरान पाक को रेज रोटी कमाने का जो है जरिया नहीं बनाना चाहिए इस पर सख्त वईद आई है और ख़ास तौर पर अब तरावी वग़ैरह आती हैं तो लोग पहले तरावी के जी कितने पैसे मिलेंगे कितने पहले उजरत वगैरह तय करना शरीयत ने मना किया ये क़ुर पाक की अजमत के ख़िलाफ़ है और अल्लाह तबारक व ताली का गजब का भी ज़रिया है इसी तरह कुरान पाक से फाल वग़ैरह निकालना और जो आज कल बहुत ज़्यादा गलत बाब शाबे और लोग इस किस्म के आ रहे हैं तो अजीब और गरीब फलवात और बिदात हो रही हैं इन तमाम चीज़ों से बचें कुरान मजीद को जो बोसे देते हैं इज़्ज़त की वजह से उसकी तज़ीम जब करें जायज़ है मगर ज़रूरी नहीं है हजरत उमर सजा अक्रमा रजी अल्लाह के अमल से ये बात है और कुरान मजीद को रकू सजदा और तश तशद वगैरह के में पढ़ना मकरू है क्योंकि उसकी वजह यह कि कुरान पाक एक अजीम चीज़ है अज़मत वाला है और रकू सजदा और तशद जो है आजजी वाली जगह है आपको पता न जब इंसान रुकू में और सजदे में जाता है आजी झुक जाता है ना तो पाक एक शान और अजमत वाला है तो कुरान मजीद के अजमत में से ये भी है कि यहाँ लोग शोर शराबा कर रहे हों या खेल तमाशे में मसरूफ़ हों और कुरान पर तोज्जो न दे रहे हैं तो कुरान को वहाँ तिलावत उसकी ना लगाई जाए और ये बेअदबी का ज़रिया बनेगी और दूसरे कुरान पाक के आदाब किस चीज़ के आदाब तिलावत है कुरान जब तिलावत कर रही हैं उस वक्त में किन आदाब का ख्याल रखा जाए कुरान पाक को पाक साफ होकर और रेहल वगैरह में रख कर तिलावर शुरू करें और शुरू करने से पहले क्या करना है तवज़ पढ़नी है वाई ज़ाकर अतल क़ुरआना फ़स्ताइ़बिल्लामन शैतान कि जब भी क़ुरान पाक को पढ़ना शुरू करना है तो तव़ यानी आज़ुबिल्लामिन शेतम पढ़ना है उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए जो भी हदीसी मुबारक से पता चला जैसे जिसका सबूत बाज़ ने क्या किया एक करो अबिसम्बिका से भी दिया है इमाम तीसरी बात यह कि इमाम गजाल रम्मत ला फरमाते हैं कि जो भी बड़े बावज़ु अदब और वक़ार की सूरत में खड़ा हो या बैठा हो यह कबला रुख गर्दन झुकाए हुए हो जैसे चौकरी मार कर बैठने से मना फरमाते हैं तकबुर की सूरत में बैठने से मना फरमाते हैं तकिया लगा कर ऐसे टांगे फैला कर बैठने से ये तमाम जिसमें इंसान तकबुराना इलामत आती है उससे मना किया अगर अकेला कुरान पढ़ा है तो इस तरह बैठने की कोशिश करें जैसे आपके सामने उस्ताद बैठा है लेकिन अगर माजूरी आती है आप लोगों के पास एक्सक्यूज़ेज़ है माजूरी हैं तो फिर आपको पता है माजूरी की हालत में तमाम पाबंदियां उठ जाया करती हैं लेकिन बग़ैर माजूरी के हम इस तरह से ना करें और फिर कुरान की तलावत के लिए फरमाया सबसे बेहतर जगह मस्जिद होती है। और औरतों के लिए घर में एक कमरा या एक जगह जो उन्होंने मस्जिद बनाई होती है ताकि छोटे छोटे बच्चों को भी पता चलता है कि अम्मी के अबू के हमारे सब की नमाज़ पढ़ने की जगह ये जिसको घर की मस्जिद कहा जाता है जो हमें कुरान की आयात मुबारक से भी हम पढ़ेंगे उसमें भी ये तमाम तफसलत आती हैं और फिर जब आए थे सजदा आए तो सजदा फ़ौन कर देना चाहिए सर सजदा करने की कंडीशनस वही होती हैं जो नमाज में सज, जो है सजदा करते हैं उसी तरह किबला रुख होना होता है अल्ला अकबर कहना होता है सजदा करना होता है और फिर सजदे में जाके तस्बीहात कहनी होती है फिर अल्लाह अकबर कह कर उठ जाते हैं इस तरीके से सजदा करते हैं और फिर उसके बाद कुरान पाक को खूब आहिस्ता आहिस्ता तरतील से ठहर ठहर कर पढ़ना चाहिए तजवीद के मख़ारिज और सिफात का ख्याल रखना चाहिए और अगर तजवीद का सही तरीके से पढ़ने की ताकत ना हो और ज़ुबान के अंदर कोई लुक है तो जैसे आप अपनी पूरी कोशिश के मुताबिक पढ़ सकती हैं बेहतर से बेहतरीन पढ़ने की कोशिश करें उस पर अल्लाह ताला दोहरा अजर सवाब अता फ़रमा देते हैं इसलिए कल जो इन शह लजीज़ वर्कशॉप होनी है वो तजवीद की वर्कशॉप होनी है लेकिन ओपन यूट्यूब या फेसबुक वगैरह पे नहीं होनी उसके लिए आप लोगों को फ्लायर मिला है उसके लिए आप लोग रजिस्टर कर देंगी और आपको कोड मिलेगा जैनब सेंटर से तो उसके ऊपर वो वर्कशॉप होगी जिसमें पूरी कुरान वो पूरे ओवरव्यू करेंगे तज़वीद को और साथ में नमाज की करेक्शन हो जाएगी ताकि हम कुरान और नमाज की तैयारी सही कर सकें ताकि पंद्रह शबान के बाद से तौर तो पर जो राहमत बरकतें हैं और पूरे रमज़ान में जिसको पढ़ना सीखना करना है सारा कुछ हम उसको सही तरीके से कर सकें तो कल इन आपको बता ये चीज़ होगी इसी वजह से क्योंकि ये कुरान का हक़ है और उसके बाद अगला अदब यह कुरान चूँकि हुज़न एक ग़म के साथ उतरा है इसलिए इसकी तलावत करते वक्त इंसान को इंतहाई गमजदा हालत में आ होना चाहिए इसलिए फरमाया है कि इसमें रोने रोने की भी कैफियत उसके वाक़त आते हैं और अगर रोना नहीं आता तो रोने जैसी शक्ल ही बना लो और अगर शक्ल भी बनाने नहीं आती तो उस वक्त फिर अल्लाह के सामने अपनी गुनाहों अपनी गफलतों के ऊपर ख़ूब रोएं कि अल्लाह मेरी कैफियत यह है और उसके बाद जो है कुरान की तिलावत की नीयत से पढ़ो इसके अंदर गौर फ़िक्र करने की नीयत से पढ़ो अमल की नीयत से पढ़ो सवाब की नीयत से पढ़ो यानी आपको बताया जाता है ना जितनी ज़्यादा नीयतें कर सकती हैं उतनी ज़्यादा नीयतें करती जाया करें और उसके बाद ख़ूब अच्छी तरह अच्छी आवाज़ से इसकी तिलावत करें कुरान पाक की जब तिलावत करनी है और उसके बाद जब आयत रहमत हो तो ख़ुशी का इजहार करना है हमने इनशाला अजाब की आयत हो तो उसके ऊपर जो है रोना धोना है अल्लाह के सामने शक्ल बनाने रोना आए तो ऐसी शक्ल बना लें कुरान को देख कर पढ़ना तो अफज़ल है ज़बानी पढ़ें तो भी बेहतर है खड़े होकर नहीं पढ़ सकते बैठ कर बैठ कर नहीं पढ़ सकते लेट कर और फिर जो है जो भी है मधूरी के मुताबिक मगर कुरान पढ़ना है के कुरान को इस तरह से पढ़ना है कि आपके अंदर रिया यानी उ जब तकबर का ख़्याल भी ना हो और अगर आप हैं तो ऐसा ना हो कि, कि साथ में अगर कोई नमाज पढ़े तो उसकी नमाज में कोई रुकावट ना आए या कोई सो रहा है तो उसके सोने में भी खलल ना हो ये आदाब है कुरान पाक की तिलावत के तो उसके अलावा कुरने पाक की तिलावत के वक्त इस तरतीब का ख़्याल रखना भी ज़रूरी जैसा कि नबी ससम ने हज़रत बिलार इस तरह को फ़रमाया था कि क़ुरान को बग़ैर वज़ू के ज़बानी पढ़ना क्या है जायज़ है कुरान को जो है अगर आप अच्छे लब लहजे में पढ़ें गाने वाले म्यूज़िक वाले ये इस तरह के लब लहजे में नहीं पढ़ सकते उसके बाद जो है अगर आप पाक को हिफ्स कर रहे हैं तो हिफ्स करना फ़र्ज़ कफ़ाया है और सुन्नत है हज़रत अली हज़रतन फरमाते थे कि तीन चीज़ें आपके हाफ़ज़े को बढ़ा देती हैं नंबर एक मिसवाक करना नंबर दो रोज़ा नंबर तीन कुरान मजीद की कसर से तिलावत करना लेकिन अगर आपने इसको हिफ़्स कर लिया उसके बाद भुला दिया तो ये बहुत बड़ा गुनाह है आपको पता है मत वाले दिन कोड़ी बनकर ये आपके पास आएगा और इस कुरान को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर इसको लिख रहे हैं तो आपको पता है जैसे अब आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल से तो कल दौरा वो तजवीद का होगा मंडे से इंशाल्लाह आपकी शुरुआत है शुरू होकर कुरान को लिखना शुरू करेंगी तो कुरान पाक को बावजू लिखा जाएगा और अगर जब भी लिखना बावजूद ये लोग जो तावीज़ धागे गंडे वगैरह लिखते हैं वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा एहतियात नहीं करते हैं। उनको ये बहुत ज़्यादा फिर गुनाह मिलता है जिस कलम या उससे या इंक से लिखना वो पाक होना ज़रूरी है जिस पेपर पर लिखने वो भी पाक होना ज़रूरी है और फिर जो है जो अखबार और रिसाले वगैरह जो है आप देखें इधर उधर उसके ऊपर कुरान लिखा हुआ नीचे गिरा देते हैं उनका अदब एहतराम करें और अगर जो है मुझसे यह कि कुरान पाक को बड़ी खूबसूरत लिखाई के साथ आप लोग लिखने की कोशिश करेंगे और जब कुरान पाक मुकम्मल होता है तो उसके भी आदाब यह है कि सुर नास के बाद अल्हम्दुलिल्लाह और सूरह बकरा की आयात जो है अलमफली हन तक पढ़ते हैं इसलिए क्योंकि कुरान कभी भी ख़त्म नहीं होता जैसे ही एक कुरान हम मुकम्मल करेंगे सुरहननास पढ़ेंगे सा, साथ ही सूरह फातह और सूर बकरा की आयत उमुलफली हन तक पढ़ लेंगे साहब ट्रेवल एजेंट ने इसलिए कुरान पाक के लिए सात मंजिलें उन्होंने बनाई हुई थी वो उसी तरतीब से पढ़ा करते थे और फिर मुस्तहब मुस्तहे कि जब कुरान पाक मुकम्मल होता है तो अपने घर वालों को जमा करके और उसके उप मौके पर दुआ मांगनी चाहिए कि उस मौके के ऊपर बहुत ज़्यादा लात बाज की जो है राहमतों का नजूल होता है इसलिए अमल करना सुन्नत है इसलिए दूसरी जगह पर आता है कि सात बिन अभी वक्त से फरमाते हैं कि अगर शुरू ही रात में कुरान पाक मकम्मल होता है तो जो फरिश्ते होते हैं सुबह तक रहमत की दुआ करते हैं और अगर दिन के पहले हिस्से में मुकम्मल होता है तो शाम तक दुआ करते हैं सुबह अल्लाह और जिस दिन कुरान पाक मुकम्मल होता है उस दिन रोज़ा रखना भी सुन्नत से साबित है जिस दिन कुरान पाक आपका मुकम्मल हो उस दिन रोज़ा रोज़ों में तो वैसे ही हमारा रोज़ा होगा लेकिन आम दिनों में भी ये चीज़ है इसलिए कुरान पाक जब मकमल होता था तो इर्द गिर्द के अहबाब रिश्तेदारों को जो है दावत देना ये भी साबित है तो लिहाजा इसलिए कुरान पाक जब मकम्मल होता है तो फिर दावत दी जाती है क्योंकि उस मौके की दुआएँ कबूल होती हैं और फिर जो है जब कुरान पाक मकम्मल होता है सदक़ल कहना तज़ीम कुरआनी है हज़रत अब्दुल्ला हज़रतब्दुल्बिन सलाम रजाना के सवालत में एक सवाल कुरान के आगाज़ और इख्ताम का था तो आपसे सबने फ़रमाए बसमिल्ल से हो शुरू और अख्तिताम सद्ला अज़ीम से हो तो ये भी पता चल गया और जब कुरान पढ़ा जा रहा है तो उसके अदाब क्या है? सुनने के के सुनते वक्त फरमाया मुकम्मल खामोश रहनी चाहिए और ख़ूब कान लगा कर सुनने चाहिए और जहाँ जहाँ जिस किस्म की आयतें हो रही हैं उसके मुताबिक दुआ मांगनी चाहिए तो अब इन शह लजीज़ आप कुरान पाक को अब सुन रही हैं तो आप अपने कुरान पाक पे लिखेंगी भी तो आपको पता चले ये रहमत की बात हो रही है यहाँ पे अल्लाह तला अजाब के तस्करे कर रहे हैं यहाँ मगफरत के हैं यहाँ गुनाह की बात हो है तो उसके मुताबिक फिर इन शह लजीज़ जब आप कुरान पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला के साथ उसी तरह की दुआ भी करेंगी जिस मौके की जैसी दुआ है और अगर पढ़ते पढ़ते आपकी रो रो के हिचकी बन जाए या आयतें सुनकर अजाब की चीख निकल जाए अल्लाह अकबर ये तो हमारा तसव्वुर भी नहीं है ये तो कैसे प्यारे लोग थे जो कुरान आ, हमारी जो कुर, आखिरी उनतीसवें पड़ा तीसवें पढ़ा सारा अल्लाह ताला के अजाब और इन चीज़ों के ऊपर है ना तो सहाबा कुरान जमीन सरातुल्क़ारिया हो गई सूरह फ़तार हो गई गए सोरेनक हो गई पढ़ के एक सा एक दफ़ा में पढ़ ही नहीं सकते थे बेहोश हो के गिर जाते थे बेहोश होकर गिर जाते थे अल्लाह अकबर कबीरा हम तो खैर ये सोचते नहीं हैं क्योंकि हमें तो बैठना ही नहीं आता हमसे तो आधा घंटा नहीं बैठा जाता आप देखें ज़रा हमें बहुत मुश्किल लगता है बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि दिल नहीं लगा हुआ ना हमारा कुरान मजीद को सुनकर शोर करना या इस किस्म की बातें करना ये कुफ्र फेल में आता है जब इंसान तिलावत कर रहा हो तो तिलावत करने वाले को सलाम करना मक़रू है कुरान मजीद को ऐसे शख़्स से सुनना जो कि तजवीद के, के ख़िलाफ़ पड़ा गुनाह है और फिर जो है अगर हम इसके तमाम आदाब का ख़्याल न रखें तो शरीयत ने इस बात को पसंद नहीं किया गया और जब कुरान पाक के को सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं उनमें भी आदाब का ख़्याल रखना चाहिए कि अपने उस्ताद के साथ जो अदब अदाबाब है उनका ख्याल रखना चाहिए हज़रत उम्र फारोक़ा ने अपने दौर में सहबा के बाकायदा मअलमिन बना कर इलाक़ों में भेजा इसलिए फरमाया खैरुक मन तमाम कर्न वहतर वो है जो सबसे बेहतर जो कुरान को सीखता भी है और सीखने के बाद उसको आगे सिखाता भी है तो लिहाजा हम अपनी ज़िंदगी का मकसद यही रखना चाहिए कि हमने अपनी ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी कुरान को, को पढ़ना है पढ़ाना है सीखना है सिखाना है और उसको आगे पहुंचाना है और जो पढ़ने वाला ये पढ़ाने वाला है, उसका मकसद दुनिया की वाहवा दुनिया की शहरत दुनिया की लालच ये गर्ज मकसूद न बल्कि आपने इनशाला जो भी काम करना है उसमें ख़ालस अल्लाह तबालिक व ताली की ऱा वल्ला तारीको ताली की पसंद उसमें महबूब हो और फिर जो कुरान पाक की हिफाज़त है आपको पता है कि कुरान पाक की जो तारीख़ नज़ुल हमारे सामने आती है उसको थोड़ा सा देखें कि ये अल्लाह ताली के कलाम आपको पता है लोहे महफूज में मौजूद है कुरान पाक का जो नजूल हुआ लोहे महफूज में और क्योंकि अल्लाह ताला का ख़ुद कुरान मजीद में निशाद बल हुआ कुरान मजीद फिर लोह महफूज और उसके बाद फिर लोहे महफूज से इसका नजुल दो मरतबा हुआ एक मरतबा ये पूरे का पूरा आसमान दुनिया के की बैत में नाजिल कर दिया गयात बैत जिसको बैतुलमा भी कहते हैं ये कहाँ पर बिल्कुल काबतुल्ल के जो महाजात हैं उसमें आसमानों पर फरिश्तों की इबादत की जगह को बैतुल मामूर कहते हैं और यह नजूल कदर में हुआ था और दूसरी मरतबा सबको पता है कि नबी सस्म पर थोड़ा थोड़ा करके ज़रूरत के मुताबिक नाजिल किया जाता रहा यहाँ तक के तेईस साल में इसकी तकमील हुई तो कुरने पाक के नजूल की ये दो सूरत हाल बनी और फिर यह है कि कुरान मजीद का जो पहला नजूल वो एकदम आसमान दुनिया पर हुआ और दूसरा आहिस्ता आहस्ता नबी स कल मुबारक पर हुआ और दोनों मरतबा जो है जो नजूल है इसके बारे में कोई शक व शुबा की कोई भी गुंजाइश नहीं है कि अल्लाह तबारक व तौर ने इसको जो जो नाजिल किया जब नबी ससम के ऊपर नाजल होने का वक्त आया तो नबी ससम की उम्र चालीस साल की थी सबको पता है और इस नजूल की इब्तदा भी सही कॉल के मुताबिक ललातुल्कदर में ही हुई और यही वो तारीख थी जिसमें चंद साल बाद गजवा बदर भी पेश आया था लेकिन ये रात रमज़ान की कौन सी तारीख़ थी इसके बारे में कोई यकीनी बात नहीं मुख्तिस इसके बारे में रवायत आती हैं कि रमज़ान की सत्रह तारीख़ थी उन्नीसवीं थी सत्ताईसवीं शब थी जो भी थी डिफरेंट कॉल इसके बारे में आते हैं लेकिन ये बात कन्फर्म है जो पहली आयत नाजिल हुई वह इब्ताई आयात हम पता है सर अलग की आयात थी इक बिसम रबिकल वाली तो नबी सल वसलम उससे पहले क्या थे खलबत में इबादत करने का उनको बहुत ज़्यादा शौक़ था इसलिए गारे ही में कई कई रात गुजारते थे और वहीं जा के इबादत में मसरूफ़ रहते थे वहीं पे अल्लाह तबारिक व ने क्या किया था कि वहीं का आगाज़ हो गया था तो अल्लाह ताला ने फिर फरिश्ते कब जा और जब उनके पास आए और आकर उन्होंने क्या कहा था रहा पढ़िए तो नबी सर ने क्या फ़रमाया था माँ अनाबिकारी के मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ इसके बाद उन सब ने ये वाक्य जब ख़ुद बयान किया कि मेरे इस जवाब पर फरिश्ते ने मुझे पकड़ा और मुझे ज़ोर से झंझोड़ा कि मुझे बहुत ज़्यादा यानी मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा उसकी तकलीफ़ या मुशक्क़त भी हुई फिर उसने मुझे छोड़ दिया और दोबारा का इकड़ा मैंने फिर यही जवाब दिया कि माँ अना बिका मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ मुझे ऐसे पढ़ना नहीं आता फरिश्ते ने मुझे फिर पकड़ा और दोबारा ज़ोर से भोजा और फिर जो है इतनी ज़ोर से कि ख़ूब उसके ऊपर मशक्कत की इंतहा हुई फिर फिर मैं उससे मैं छोड़ कर का एक क़रवा तो मैंने जवाब दिया कि मैं पढ़ावा नहीं इस बार फिर दोबारा जब किया तो फिर फरमाया एक क़रा अबिसमिन इंसान राजल ख़लसानल इकरा व रब्बल अक्रम तो उसके बाद फिर जो है सुबह अला आपसम के ऊपर ये आयत मुबारक नाजिल हुई उसके बाद तीन साल तक वही का सिलसिला बंद रहा जिसको फ़ातरात वही का ज़माना कहते हैं फिर तीन साल के बाद वही फरिश्ता जो गार हिरा में आया था आबसुम को आसमान और ज़मीन के दरमियान दिखाई दिया और उसने सुरह मुदसर की आयत आफसम को सुनाई इसके बाद सिलसिला वही का दोबारा जारी सही तरीके से कुर पाक मुकम्मल तौर पर जैसे नाजिल हुआ फिर वही रुके बगैर कंटिन्यूस आना शुरू हुई उसके बाद फिर मुख्तल वाक़ात जो कुर मजीद में नक़ल किए गए वो हैं उसके बाद जो है इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी हम सब को पता है कि अल्लाह ताला ने ख़ुद फ़रमाया इन्ना नहनजल ज़िक्रा व अनना लाहौो फिजूँ हमने इस कुरान को ख़ुद नाज़िल किया इसकी हफात की म्मेदारी भी हमारे ज़िम्मे जो पहली तीन आसमानी किताबें थे ज़बूर अंजील उनके अंदर आपको पता रद्द बदल हो गई और कोई भी अपनी असली शक्ल में महफूज नहीं बहुत से सेहीफ़े आएँ वो भी अपनी असली शक्ल में महफूज नहीं और वह अल्लाह तबारिक व ताली के कलामुल्लह ने अल्लाह तबारिक व ताली की तरफ से जो बरकतें जो कलाम जो है वो किताब कुरान मजीद को ही हासिल हुई ये तमाम बरकतें और ये अल्लाह तबारक व ताली ने वसल्लम के ज़रिए से हम तक के ख़ूबसूरत ख़त भेजा है पैगाम भेजा है जैसे कोई पैगाम होता है एक जो पहली किताबें थीं, वो देखिए जो सही वे किताबें भेजेंगे वो अल्लाह ताला का एक पैगाम था और अल्लाह तिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली थी और ये जो कुरान मजीद है ये सिर्फ़ पैगाम नहीं है बल्कि अल्लाह का कलाम है कलाम है ये बात जहन में रखें इसलिए फरमाया तब्रक बिलकुर कुरआन फ़ा कलाम्ला कुरान से बरकत हासिल करो क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है तो लिहाजा ऐसे होता है ना कि आप, आप ये समझे कि कोई इंसान होता है आपको ख़त लिखे इसमें मोहब्बत का इजहार होता है पैगाम मिल जाता है एक होता है कि आपसे फ़ोन के ऊपर बात करे तो आप उसकी आवाज़ को भी सुनते हैं आप उसके लहजे को भी सुनते हैं उसकी गर्म जोशी को भी सुनते हैं उसी का अंदाज़ा फिर आप कर सकते हैं तो ख़त में लिख कर बात करना और होता है फ़ोन के जरिए से डायरेक्ट बात करना दोनों में फ़र्क होता है तो पहली तीन किताबें वो खत वाली थी और ये, ये चौथी किताब जो किताब कुरान मजीद है ये अल्लाह ताला का डायरेक्ट कलाम है सुबहानल्लाबहान अल्लाह अल्ला। अब देखें जैसे आज हम इंटरनेट के ऊपर किसी से भी गुफ्तु कर रहे होते हैं तो हालांकि वो बंदा हमसे हज़ारों मील दूर बैठा होता है तो हमारी आवाज़ जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है और इतनी दूर हज़ारों मील दूर तक पहुँचा देती है और जो इसी तरीके से नबी सर जब यह कलाम नाजिल हुआ था तो इसी तरह मैसेज की शक्ल में आया करता था और उसके बाद जो है अल्लाह तबारिक व तारा ने चूँकि इसकी हिफाजत का ज़िम्मा अपने पास ले लिया कुरान की हिफाजत करने वाली फ़ौज देखी है कि अगर कोई बादशाह ये कमिट करे कि मुल्क की हिफाजत की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है मैं ये ज़िम्मेदारी कबूल करता तो तो ख़ुद तो नहीं जाकर चारों तरफ वो पैरा दे सकता इसलिए वो एक फ़ौज तैयार कर जाता है फ़ौज का एक स्टेटस एक रुतबा होता है उनकी तनख्वाही भी अच्छी होती हैं उनका खाना भी अच्छा आता है चुन चुन कर लोग जो है उसमें रखते हैं ऐसे लोग जिनका आई क्यू लेवल भी बहुत अच्छा होता है पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी होती है उनका हाजिर दिमाग भी होता है अच्छी तालीम होती है अच्छी फैमिली बैकग्राउंड भी होता है फिर उनको इस काम पर लगाया जाता है जी अब आप लोग हैं जो हिफाजत करेंगे सर के तो हिफाजत तो फ़ौज करती मगर बादशाह कहता कि देखो मैंने इनके ज़रें से अपने इस काम को करके दिखाया इसी तरह अल्लाह ताला ने अजीज़ी बेटियों फरमाया कि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी अल्लाह ने फरमाया हमारे ऊपर है तो अल्लाह ताला ने ये काम यूँ किया कि अपने बंदों में से कुछ ऐसे बंदे चुन लिये जिनके दिलों में कुरने मजीद की मोहब्बत डाल दी अपनी मोहब्बत डाल दी उनके अंदर चाहत डाल दी एक शौक को कर दिया कुर पा के वह हाफिज बने किसी का दिल चाहता है कि मैं अपने बेटे को बनाऊँ किसी का दिल चाहता है कि मैं बेटी को बनाऊँ ये ख्वाहिश ही पैदा होती है तो ये अल्लाह ताला का इनाम होता है सुबह अल्लाह के अल्लाह ते कुर पा की हिफाजत फरमाई फिर अल्लाह तबारिका ताली इनको फोटोग्राफिक मेमरी भी दे देते हैं चूंकि वो कुरान मजीद को याद कर लेते हैं एक बहुत बड़ा मुआवजा है कुर मजीद का अल्लाह याद कर लेना कोई और किताब को ऐसे इंसान याद नहीं कर सकता ना किसी किताब में इंटरेस्ट होता है एक दफ़ा देखो तो दूसरी दफ़ा बिल्कुल भी उसकी तरफ़ पढ़ने को करने को चाहे वो को नावल हो कोई स्टोरी हो क चाहे मूवी हो फिर भी उसको देखने का दिल नहीं करता लेकिन ये ऐसी एक अटैचमेंट है कुरान मजीद के साथ जितना इंसान पढ़ता है उसकी लज्जत जोक़ शौक बढ़ती चली जाती है उसकी प्यास बढ़ती चली जाती है ऐसे जैसे सख्त गर्मी के मौसम में ठंडा पानी मिले तो कितने शौक और रगबत के साथ इंसान पीता है बिल्कुल अल्लाह व तबारक ने यह मोमिन के दिल में कुरान का ऐसा इश्क मोहब्बत डाला ये कुरान की हिफाजत है ये अल्लाह ताला ने यूं हिफाजत की है तो मोमिन के दिल में क़ शौक़ और रगबतें डाल देते हैं उम्रें गुजरती चली जाती हैं इंसान का दिल भरता ही नहीं गोया कि इंसान की ज़िंदियाँ ख़त्म हो जाती हैं मगर कुरान पढ़ने की वह लज्जत इंसान के मुँह से वो मिठास ख़त्म नहीं होती तो उसके बाद अल्लाह इस सिलसिले को कंटिन्यू कर देते हैं अल्लाह करे ये मोहब्बतें यह ये लज्ज़तें यहव ये और शौक मेरे और आपके दिल में हमारी औलादों में हमारे घरों में हमारी क्यामत तक की नस्लों में अल्लाह तला ये मोहब्बत दर्द और क़ शौक़ कर दे और अल्लाह तला हमारे घरों को और मेरे और आपके सीनों को भी इस चीज़ के लिए चुन लें पसंद कर ले अजीज़ी बेटी आज हम डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट दस किताबें पढ़ के बड़े खुश होते क्या फ़ायदा कोई मरने वालों में कोई तस्करा भी नहीं कोई पूछने वालों में भी नहीं होता नाम तो वो है जिसका नाम जिंदा अल्लाह ताला रखते हैं जो इस कुरान-सुन्नत को अपने सीनों से लगाते हैं तो ये अल्लाह ताला के सिलेक्टेड लोग होते हैं सिलेक्टेड फ़ौजी चुने हुए लोग होते हैं तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुझे और आपको भी हमारे घर वालों को भी चुन ले पसंद कर ले हमारी औलादों को सुन ले ताकि वो अपने वाले के सरों का ताज बने हमारे फिर जो सरों के ऊपर नूर का ताज रखेंगे अल्लाह इन हाफ़िज़ों की बहुत ज़्यादा कदरों कीमत हो गई हाफिज़ जो लोग हैं दस ऐसे लोगों को जहन्नम से निकाल सकते हैं जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी और आलम कुरान तो 400 ऐसे लोगों की शिफात कर देंगे अल्ला अकबर कबीरा अब देखिए तो हमारे घरों में ये क़ शौक होना चाहिए आखिरत के लेकिन आज सवाल क्या होता है एक दूसरे को डिसरेजिश किया जा रहा होता है डिसेज डिस्करेज करने के अपने अजीज़ रिश्तेदारी सबसे पहले कर रहे होते हैं और उनको टॉन्ट कर रहे होते हैं कि तुम भी क्या भी बन रहे हो तुम भी क्या मदरस जा रहे हो तुम में क्या इज्जत की ज़िंदगी मिलेगी और इस और माँ बाप भी अब अक्सर डिस्करेज करते तुम आलिम क्या बन रही हो आलिमा क्या बन रही हो हाफिज़ा क्या बन रही हो तो तुम्हें तो डॉक्टर इंजीनियर साइंसदान पायलट एम बी एम पी ए कुछ ये करना चाहिए था ये तुम किन चक्करों में पड़ गई हो अब तुम्हें तो इज़्ज़त की ज़िंदगी कैसे गुजारोगे इज़्ज़त की रोटी किसे मिलेगी तुम्हारा तो रिश्ता कैसे होगा जबकि आपको पहले बता दिया इज़्ज़त की ज़िंदगी इज्जत की रोटी प्रोटोकॉल तो कुरान दे रहा था तो चूँकि आज हमारी सोच बदल गई ना हमारी सोच खराब हो गई हमारी सोच अपोजिट हो गई अब देखें अल्लाह का वादा है ये इज्जत दे रहा है कुरान रोटी दे रहा है कुरान सब कुछ दे रहा और हम कह रहे हैं कि तुम कुरान पढ़ने वाले बन गए अब तुम्हें इज़्ज़त कौन देगा तुम्हें रोटी कहाँ से मिलेगी तुम्हारे साथ शादी कौन करेगा यह हमारी सोच उल्टी होगी तो लिहाजा क्याद के दिन वो लोग जिनको आज हमने डिस्करेज किया है वो कैसे हम उनकी शफात ले सकते हैं अब बताइए चाहे उनके माँ बाप हैं बहन भाई हैं और जो भी उनको और जो लोग माशा ऐसे बच्चों को सपोर्ट करते थे उनके लिए दुआएं करते थे उसको का करते थे तुम अच्छे काम कर रहे हो तो सुबहानल्ला अल्लाह उन लोगों में से कोई अगर जहन्नम में खड़ा होगा तो यकीन ये बच्चे उनकी शिफात करेंगे उनको जन्नत में ले जाने का ज़रिया बन जाएंगे इसलिए जी बेटी हम खुद कुछ अच्छा काम नहीं कर सकते तो कम से कम दूसरों को तो ना रोकें इसलिए आपको कहा अगर ख़ुद के अंदर हिम्मत हौसला नहीं सुनने का तो किसी को मैसेज फॉरवर्ड कर दिया करें यह दौरा कुरान चल रहा है और आप तफसीर चल रही है या इस तरह से खैर की बात हो रही है ये सुन ले आपके मैसेज़ यहाँ इतने जाते हैं बजाय इसके नेगेटिविटी मैसेज फैलाने के पॉजिटिव तरीके से फैला दें कि हाँ बड़ा अच्छा चल रहा है आप सुने हो सकता है कि आप तो सुन नहीं गई आपने जिसको आगे भेजा वो मोहब्बत से सुनने वाली बन गई और आप के लिए क्यामत वाले दिन बख्शिश का जरिया बन गई अल्लाह अकबर कबीरा तो अल्लाह तबारक व ने कुरान मजीद को महफूज़ किया जैसे आज कंप्यूटर में दो तरीक़े से महफूज होता है हार्ड कॉपी के ज़रिए से सॉफ्ट सॉफ्ट कॉपी के ज़रिए से तो इसी तरह दोनों तरीके से हार्ड कॉपी के ज़रिए से आपने देखा जैसे फाइलें वगैरह बनी होती हैं हम उसको प्रिंट कर लेते हैं बिल्कुल कुरान मजीद की हार्ड कॉपी जैसे जो आपको कहा दोन मजीद का जो अलहद जैनब सेंटर ने प्रिंट किया है इसके डबल सेट है एक एक जिल्द नंबर वन जो है वन टू फिफ्टीन है दूसरी फिफ्टीन टू थर्टी है तो ये क्या है हार्ड कॉपी है यह आपके सामने महफूज है दूसरी सॉफ्ट कॉपी है और वो क्या है कि जैसे हमारे सीनों के अंदर सुबहान अल्लाह जो हाफ़ज़े कुरान आल कुरान है और ये अल्लाह तबारक ने सिलसिला चौदह सौ साल से शुरू किया और इन दोनों तरीक़ों से सॉफ्ट कापी और हार्ड कापी दोनों तरीक़ों से कुरान पाक को महफूज कर लिया सबा के राम के अंदर तो कुरान मजीद का बहुत ज़्यादा शौक, शौक था बहुत ज़्यादा शौक़ था इसलिए कि देखें अजीज़ी बेटियों कैसे शौक़ था कुरान सुनते थे आंखों से आंसू नहीं थमते थे ये कुरान उनके दिलों को गुदगुदा देता था उनके दिलों के तार छेड़ देता था उनका दिल चाहता था कि हम कुरान मजीद को पढ़ते ही रहे जैसे बच्चे के मुंह में दूध लगाया होता है फीडल लगाया होता है तो उसका क्या हाल होता है तो अगर उसके मुँह से फीडल निकाल दें तो रोना शुरू कर देते हैं झुंड शुरू करता है चीखना चलाना शुरू कर देता है और किस वजह से कि मेरे मुँह के अंदर से फीडल क्यों निकला है ऐसे ही अजीजी बेटियां जिनके दिल में कुरान रच बस जाता है वो एक दो घंटे से बैठने से घबराते नहीं हैं वो तो कहते हैं मेरे मुंह से लगा दे कोई जाम ऐसा एक दो घूंट से क्या बनता है साकिया। उनको तो एक दो तीन घंटे बैठना तो मुश्किल ही नज़र आता तो इसलिए उनका दिल ही नहीं चाहता कि हम कुरान पढ़ना रोक दें या छोड़ दें चुनाचे वो तीरों पे तीर खाते रहे और सूरह कहाव को पढ़ना नहीं छोड़ा अल्लाह अकबर कबीरा और आज हमें यह नहीं पता होता कि नमाज के अंदर हमने पढ़ा क्या है अल्लाह हमारे तो ऐसी नमाज़ें होती हैं तो हम कैसा क़ुरान पाक पढ़ने वाले बन जाएंगे तो क़ुरान पाक जो है इज्जत देने के लिए आया न मजीद के जो है क़ शौक़ हमारे अंदर और ये अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत इस चीके से कि आज लोग म्यूज़िक सुनते हैं और कहते हैं मैं उसी की रुख की ग़ज़ा के जो कि बिल्कुल ग़लत है आज साबित भी हो चुका है कि वाकई ये थेरी फ़ेल गई है कुरान जो है दिलों का सकून है अलाबिक लवमैनकलूब अकबर कबीर इतना सकून और लजत गाना गाने वाली जो मोगनियाँ होती उससे नहीं होता जितना जो है इस कुरान जब पढ़ा जा रहा तो उसको सुनने वाले पे होता है इसलिए तो सुबहान अल्ला अब्दुलबासी साहब हो गए या और इतने हमारे बड़े बड़े पूरी दुनिया में क़राज हैं जो काफ़रों के सामने भी कुरान पढ़ा गया जिसको मानते तो नहीं थे मगर अल्लाह उनके दिलों पे असर कर गया जिससे उनके दिल की दुनिया बदल गई तो चुनाचे जैसे कुरान मजीद पढ़ना कोई शुरू करता है तो अल्लाह के फरिश्ते उसके ऊपर आते हैं हती के उसके ऊपर ताना बाना बान बन जाता है आसमान तक उनका सिलसिला लग जाता है अल्लाह का कलाम सुनने के लिए वो आ जाते हैं हती के हदीसी मार्क के मफह में वो क़रीब होते 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 इतने करीब हो जाते हैं कि इसके कुरान पढ़ने वालों के लबों पर जो है अपना मुँह रख देते हैं बरकत के लिए रख देते हैं अल्लाह अकबर फ सुबहान अल्ला फ़रिश्ते भी उसके मुंह को बोसा देते हैं कि उसके मुंह से कुरान निकल रहा है और ये कुरान क्या है अल्लाह का यानी कलाम निकल रहा है इसलिए इमाम आसम जो है उनके बारे में जो वाक्य आता है कि उनके मुंह से बहुत ज़्यादा खुशबू आती थी वो किसी मुश्क और अम्बर की खुशबू नहीं थी बल्कि क्या थी सब लोग बहुत हैरान थे कि उनकी वो खुशबू जब भी उनसे मिलते कभी भी उनकी खुशबू ख़त्म नहीं होती हमेशा उनके मुँह से वो खुशबू आ रही होती थी फिर लोगों के इसरार के ऊपर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैं कुर उनके कुरान के आशिक थे नबी वसम के रोज़ मुबारक के ऊपर बैठ के कुरान 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 पढ़ा करते थे तो फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं कुरान पढ़ा था मुझे नबी वसम की ज्यारत नसीब हुई तो नबी वसम ने फरमाया आसिम तुम कुरान इतना शौक से पढ़ते हो तुमने अपनी ज़िंदगी इसी में लगा दी आओ मैं तुम्हारे लबों को बोसा दूँ अल्लाह अकबर कबीरा तो ख़ाम में नबी करीम ने मेरे लबों को जब से बोसा दिया है तो उस वक्त से जो है सुबहानल्ला मेरे मुँह से अंदर से खुशबू आनी शुरू हो गई अल्लाह अकबर कबीरा तो इसलिए देखिए इस कुरान पाक की अजीज़ी बेटियों मोहब्बत करना सीखें बस इन अल्लाह ताला ने तो इसकी हिफाज़त की ज़िम्मेदारी ले ली, ली है इस कुरान मजीद से मोहब्बत करने वाले ऐसे भी हैं जिन्होंने इस कुरान पाक को एक महीने में अपने सीने में महफूज कर लिया मौलाना कासिम नौतवी रहा हज पर तशरीफ़ ले गए एक महीने में रोज़ाना का एक पारा याद करते और एक पारा सुना देते थे एक हफ़्ते में भी कुरान पाक को हिफ़् किया गया इमाम मोहम्मद रहमत लि आप जानते हैं जो इमाम अबू इमामाबोनी फ़रामतल्ला के शगीर थे एक बड़े नवाब के बेटे थे खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा थे जहीन भी बहुत ज़्यादा थे जब उनके वालिद उनको लेकर आए कि आप मेरे बच्चे को कुरान का इलम पढ़ाइए तो इमाम आज़ाबनी फरमतल्ल ने फ़रमाया कि मैं तो इनको, इनको अपनी शगिरदी में नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पास तो शर्त है कि बच्चा हाफज क़ुरआन हो तो उन्होंने क्या किया कि एक हफ्ते के अंदर वापिस वो वापिस आ गए तो पूछा कि आप वापिस क्यों आ गए कहने लगे कि हजरत मैंने कुरान पाक हिफ्स मुकम्मल कर लिया अल्लाह अकबर कभी एक हफ्ते में कुरान पाक का हिफ़्स और तीन दिन में भी हिफ्स किया मुफ्ती तकीस्मानी साहब अपनी किताब में लिखते हैं तराशे में फरमाते हैं कि उन्होंने किताब में लिखा कि अल्लाह ताला के ऐसे प्यारे लोग भी हैं कि जिन्होंने तीन तीन दिन में भी कुरान पाक को हिफ्स को मुकम्मल कर लिया क्यों फरमाते हशाम कल भी हैं उसके बारे में लिखा गया ये आलिम तो बहुत बड़े आलिम थे मगर हाफ़िज़ नहीं थे तो जब भी वो में बैठते और वो लोग हाफिज भी होते तो उनके जहन में ख्याल आया कि मैं हाफ़िज़ क्यों नहीं बनता बस उनके दिल में ख्याल आया उन्होंने हिफ्स करना शुरू किया तीन दिन के अंदर तीन दिन के अंदर उन्होंने अपना हिफ्स मुकम्मल कर लिया अल्लाह अकबर कबीरा ऐसे लगता है जैसे इधर से कोई कमांड देता गया उधर से ट्र, डाटा ट्रांसफ़र होता गया और चंद सेकंडों में लगता है पूरे कुरान का डाटा उनके सीनों में, में महफूज हो गया अल्लाह अकबर कबीरा तो इसलिए बड़े बूढ़े जवान चार साल की उम्र के तीन साल की उम्र के नबे साल की उम्र के सब आपको हाफज़ कुरान मिलते हैं क्या बड़ा क्या छोटा क्या मर्द क्या औरतें तो इसलिए अजीज़ी बेटी और ये क़ शौक हमने अपने, अपने अंदर पैदा करना है कि कैसा हमारे अंदर ष शौक हो इनशा लजीज़ शोबान का महीना है रमज़ान का महीना है हमने अपनी ज़ुबान के ऊपर इधर उधर की बातें लानी नहीं हमने हर वक्त ज़िक्र चाहे वो कुरान अगर जितना कुरान याद है कुरान की नस्बत से इस्तबार की नस्बत से दुर्शीफ़ की नस्बत से हमें ये तमाम चीज़ें जो हैं सुबह अल्लाह करनी है और इसके वाक़त बड़े अजीब वरीब है जो इन लजीज़ वक्ता फ़ोक्ता हम इनशल जब दौर कुरान करेंगे इस किस्म के वाक़त हम करते रहेंगे ताकि हमारे अंदर षौक़ पैदा होकर अल्लाह तला ने अपने कुरान की हफ़ाजत किस तरह से की है और इस कुरान के आशिक सादक कैसे आज भी मौजूद हैं और कैसे अल्लाह ताली इस कुरान को पढ़ने की वजह से दूसरों की जिंदगियों को बदल देते हैं और कुरानी मजीद की जो सुबह हिफाजत है उसमें जैसे कुरान मजीद को हार्ड कापी के ज़रिए से सेव किया गया कातवी वही मौजूद थे जो नबी ससम के अपने ज़माने में थे नबी ससम उनसे कुरान पाक को लिखवाया करते थे और कभी चबड़े के ऊपर लिख दिया जाता था कभी लकड़ी के तख्ते के ऊपर कभी कपड़े के ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ें होती थी ये तमाम हजरात कातवी ने वही कहलाया करते थे जो वही को लिखने वाले थे चुनाचे जब भी वही उतरती थी तो उसको बाकायदा लिखवा दिया जाता था तो फिर जब नबी करीम दुनिया से पर्दा फरमा गए तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अनहु अनहजरत वक्त सदी तैयार के पास ए और कहा कि अमिन जितनी भी जो कातबिन वही के जितनी भी जगहों पे वो लिखा हुआ है लोगों के पास मौजूद है तो बेहतर है कि उनको एक जगह पर इकट्ठा करके अपने कंट्रोल में ले लें इससे पहले कि कोई जाया हो जाए तो बाहर किस्सा मुख्तसर ये कि हजरत ज़ैद बिन सब एक सहाबी थे उनके साथ कुछ और सहाबा की एक जमात बना दी गई जो सारे उफवास है उनके ज़िम्मे ये काम लगाया गया तमाम जगहों से जहाँ जहाँ कुरान पाक कातबिन वही ने लिखा हुआ था उन तमाम को एक जगह पर जमा किया गया इसलिए सदीक अकबर जी तुम को जाम उलान कहा जाता है जामिल कुरान कहा जाता हैुरान मजीद को उन्होंने यकिया करने वाले बन गए फिर उसके बाद उस्मान गनी रजनक के ज़माने में एक वक्त आया कि इस्लाम खूब चारों तरफ फैल गया तो उन्होंने क्या किया उस वक्त चमड़े के ऊपर खुदाई करवा के उसको कुरने पाक को लिखवाया और उसकी सात कापियाँ बनवाईं सात जल्दें बनवाईं और सात मुख्त मुल्कों में इलाक़ों में उसको भिजवा दिया ये अल्लाह तबारक व का कुरान है और इस तरीके से उनको जो है जमा कर दिया गया उसकी जो है रेफ़रेंस कापियाँ गानी गनी रज़ी पूरी दुनिया में फैला दी आज भी पूरी दुनिया में ये कापियाँ मौजूद हैं चुनाचान गानी रजी तैयार के पास अपना जो सहीफा था, था आज कल भी वो ताशकंद में एक मस्जिद है उसको वो मस्जिद जो है कोतला शेख की मस्जिद कहते हैं उसमें अभी भी वो शहीफ़ा मौजूद है अल्लाह ताली में तोफ़ी दे के हम इन उसको जाएं तो देखें और जो ये जो किताबत का सिलसिला था फिर वो चल पड़ा फिर कुछ लोगों ने अपने लिए मजीद कुरान मजीद लिखने शुरू कर दिए यूँ इस तरह किसे कुरान मजीद बाकायदा हार्ड कॉपी के ज़रिए से और सॉफ्ट कॉपी के ज़रिए से चलता चला गया ये काम सिर्फ लड़कों के लिए नहीं औरतों ने भी इसमें आगे बढ़ के हिस्सा लिया और सुबह अला जैसे सुरन नूर की तफ़ीलत पढ़ेंगे तो उसमें देखा कि फरमाया औरतें क्या करें कि बच्चियों की जिम्मेदारी क्या है तरबियत की कि उनको जब तक वो माँ बाप के घर में होती हैं तो वो कुरान पाक लिखना शुरू करती थी और जब वो कुरने पाक को पूरा कर लेती तो उस वक्त माँ बाप के लिए पैगाम हो जाता था कि ये आज कुरने पाक को मुकम्मल कर लिया अब उनकी शादी के लिए वो तैयार हैं सुबह और वही कुरान पाक उनके जहेज़ में दिया जाता था और इसके बारे में इसके इम्पॉटेंस हम पढ़ेंगे लिहाजा आज हम वो तो नहीं हुआ लेकिन इन दौरे कुरान में अब आप कुराने पाक जो हमारा कुरान पाक है बेद वाला और जिसके नीचे लाइने और साइड में हाइशा दिया हुआ है जिसको आप लिखेंगी करेंगी तो हम इनशा लजीज़ जो नूर में इम्पोर्टेंस बताई गई या सहाबा कमजान के दौर में थी या नेकी के दौर में चलती जा रही थी आज हम इन शजीज़ उसी के ज़रिए से उसकी अजमत और उसकी फजीलत को पहुँच सकेंगे अल्लाह तबारक व ताल से ये दुआ करें कि अल्लाह तबारिक वाली हमें खैर आफियत के साथ ये जो हमने इरादा किया पूरे कुरान पाक को सुनने का सीखने का समझने का उस पर अमल करने का अल्लाह तबारिक व ताली व तमाम नस्बतें मुझे और आपको भी अता फ़रमा दे अल्लाह तबारिक व ताली हम सब से राज़ी हो और हमारी जो कमियाँ कोताहियाँ हैं अल्लाह तबारक व ताली इनको जो है हमसे दूर फरमा दे कुरान मजीद की बहुत सी तफ़ील हैं चूंकि वो तमाम तफसील अब इस वक्त बताना जो है मकसूद नहीं है वह इनशा लजीज़ अब हमारा जो नेक्स्ट लेसन होगा इनशाला लजीज सूरतलफात से हम लोग शुरू कर देंगे अपना कुरान पाक और उसके अंदर ही फिर हम कुछ तजवीद की जो बेसिक चीज़ें हैं और फिर कुरान पाक को जब हम पढ़ेंगे मक्की है या मदनी है उसके साथ ही उसकी थोड़ी सी बात बता देंगे इसी तरीके से सूर्य आते चूँकि एक बहुत डीप सूरत है उसमें बहुत टाइम लगेगा इन शजीज जब क्योंकि पूरे कुरान पाक का नचोड़ पूरे कुरान पाक का खुला पिछली तमाम किताबों का नचोड़ सुबहान अल्लाह तो आप ख़ुद सोचें उसमें कितना वक्त लगेगा तो इनशाला तमाम तफसील फिर कुरान पाक की कैसे तफ़ी कौन सी तफसीर कैसे करनी चाहिए वो तमाम डिटेल उसी के अंदर आ जाएगी क्योंकि साहबाक राम की अजमत शान ये तमाम चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे हमारी ज़िंदगी में सेहत में ईमान में अफ़ाल में बरकत नसीब फरमाए इन शजीज़ आफ़ियत के साथ होशोहवास के साथ सेहत की सलामती के साथ हमें उस दिन तक पहुँचने की तोफ़ी नसीब फरमा दे और अल्लाह जो हमने इरादे किए हमें हमारे इरादों से बढ़ कर अता फरमाए उसमें खैर आफियत बरकतें और भलाइयाँ नसीब फरमा दे और ये तो तरह करके और इधर उधर की बातें अल्लाह ताला हमें उससे बचाए रखे और सही दी ये बात जहन में रखना जो हक होता है वो थोड़ा होता है ये बात दोबारा सुने जो हक होता है वो थोड़ा होता है जो बातिल होता है बहुत तेज़ी से फैलता है और बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं उसमें बहुत मज़ा भी होता है उसमें बहुत चस्का भी आता है और वो बहुत जैसे ऊपर समंदर की झाग होती है ना इस तरह तेज़ी के साथ फैलता है मगर एकदम निकल जाता है हक़ हमेशा हर दौर और ज़माने में थोड़ा होता है इसलिए आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको इखलास के साथ वो दीन सीखने समझने की तौफीक नसीब फरमाए जिसके पीछे अथेंटिसिटी है जो एक सही दिन है सनत के साथ दीन है उसमें आपको बहुत चस्के और मज़े तो नहीं आएंगे क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है उसके पीछे क्या क्यों तू तोड़ाक मैं मैं करके सवाल जवाब बड़े आते इसलिए बताया शुरू में कि अकल को हर वक्त इस्तेमाल नहीं करना और हर वक्त अकल हमारी जवाब भी नहीं देती जो चीज़ें वही अला के ज़रिए से अल्लाह ने कहा करो तो बस करो उसके ऊपर क्यों करें किस लिए करें जैसे आज वो मेरा मेरी जिसमें मेरी मर्ज़ी के ऊपर ये कि आप वो जब बच्ची जैनब का जब हुआ था कि उसको जब सजा देने के लिए जितने भी लोग रेपिंग करें उनको सजा दी जाए कि नहीं जी ये तो दीन इस्लाम का जुल्म हो रहा है माज़ल्ला और ये तो आज पाकिस्तान के लोग के ना इस आजा फ़कीनी को तो आज से आठ दस साल पहले से बहुत ज़्यादा तजर्बाते हैं कि जगह पर ऐसा हुआ वाक्यत सुनाने की कोशिश की कि औरतों की इज़्ज़तें कैसे महफूज थी दीन इस्लाम कैसा है जब कहीं भी इस तरह की अहदीसी मुबारक नकल की जाती नहीं 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 हम इस हदीस को नहीं मानते ये कहाँ लिखा हुआ है और ये तो म है अल्लाह ताला तो माफ़ करने वाले हैं ऐसा नहीं हो सकता यानी वन सज़ाओं को इन बातों को मानती नहीं तो उनका वो वाकई दायरा ईमान में नहीं है दायरा इस्लाम में नहीं है अब आगे हम उनके साथ क्या कहते हैं भाई ज़ालकुल्लाजिन जाहल कल सलाम सलाम करके गुजर जाएँ ख़ामोश हो जाए क्योंकि जितना कहेंगे जब आप किसी के माँ बाप के ऊपर बात करेंगे तो पलट के वो आपके माँ बाप को गालियाँ देंगे जब उनका मकसद इरादा ही सीखने का नहीं या वो ऐसे मकाम ऐसी जगह पर पहुँच गए तो इसलिए ऐसी जगहों से फिर बातचीत करने का बहस बर बहस का कोई फ़ायदा नहीं होता लिहाजा आप अल्लाह ते दुआ करें कि अल्लाह तला हमें ऐसी अक्लमंदी से महफूज़ करें ऐसी जो है किताबों से हमें महफूज रखे ऐसे इलम से हमें महफूज रखे जो इलम नहीं जहालत है अल्लाह तबारिक ताला हमें हक वाली ख़ैर वाली सही जो है दीन को सीखने समझने की तोफ़ी नसीब फरमाद आमिर रबालमी इनशा लजीज़ कल का में पूछें कल हमारी जो है वर्कशॉप होगी जो डायरेक्ट इस तरीके से नहीं आपको बताया कि जो हमारे ज़ैनो सेंटर के ऊपर या इसके ऊपर आप लोगों को आ, मिला कि जैनो सेंटर की आ, में तजवीद की जो वर्कशॉप है तो इनशाला लजीज़ वो फॉर्म है वो जैन सेंटर की बच्चियों के लिए ज़रूरी नहीं है उस फॉर्म को फ़िल करना जो बाहर के हैं ताकि उनको कोड वगैरह फिर दे दिया जाएगा तो अल्लाह तबारक व ताली फिर आफियत का मामला कर दें अल्लाह तला करम कबूलियत का मामला कर लें और जो मस्जिद में हमारा प्रोग्राम हो रहा है उस मस्जिद में हमारा इसी तरीके से प्रोग्राम होगा जो अलहमदिल्ला मस्ज में चल रहा है अल्लाह तैर आफियत का मामला कर दें इनशाला जजाकन लैन सजायफ दारेन अभी आप लोग के सवाल जो हुआ करेंगे वो आप लोग इकट्ठे करते जाए करेंगे तो हम बाद में इनशाला किसी वक्त में आप लोगों के सवालों के जवाब देते रहेंगे तो अभी बच्चियों ने कहा था उनके पास कुरान पाक पहुंच जाएंगे क्योंकि उन्होंने ऑर्डर किए हुए थे तो इन शह आप लोगों के कुरान पाक होपफुली मंडे तक आपके पास आ जाएंगे जिसके ऊपर प्यार मोहब्बत के साथ इनशाला सुरतल्फ़ात का हम आगाज़ करेंगे अल्लाह ताला से ये दुआ करें अल्लाह तबारिक व हमें तोफ़ी नसीब फरमाए और हमें मंजिल मकसूद तक पहुँचाए और उसको शरफ़ कबूल तता फ़रमा दे आमिर रबालमीर ला थोड़ी देर के लिए दुआ कर लीजिए अपने हाथों को उठाइए अपने सर को झुकाइए और थोड़ी देर के लिए अल्लाह तला की तरह मतव हो जाइए और ये सोचें ये अल्लाह ताला तो ने करम और एहसान कर दिया वरना ये वक्त अजीज़ी बेटियों गुजर ही जाना था बहुत सी बहनें और जी बहुत ज़्यादा टाइम है वक्त है किसी किसी होगा लेकिन वक्त सबका ही गुज़र गया पहले भी लोग बातें करते आए चले गए गुजर गया सबका ही गुजर जाना है अजीज़ी बेटियों यहाँ ऐसे रहे कि वैसे रहे देखना ये है कि वहाँ कैसे रहे हमने तो असल तैयारी ये करनी थी तो इनशा लजीज़ अल्लाह ताला सब की ज़िंदगी सेहत में बरकत फ़रमा दे और सब को तोफ़ी नसीब फरमाए कि इनशा लजीज़ उसे उसलास के साथ सुनने समझने की तोफ़ी दे सुबह रबी सल सईदना महमद सईदना महमदुमबारिक वसलम रबरनासलमसन तकफ़ीसिन या मन्ना या करीम या करीम यारहीम या रहीम या बदाति रही याजिलजलाज या वाल कराम तारबोखरबोश कर एहसान है ए मालिक तूने करम किया एहसान किया अल्लाह ज़िंदगी का एक और दिन हमें अता फरमाया अल्लाह जो हमने टूटी फूटी मेहनत की कोशिश की है करीमल्ला हम बहुत नालायक हैं गुनागार हैं खतार हैं अल्लाह आप हमारे ऐबों को राजों को जानते हैं अल्लाह हमारा कोई गुना आपसे ढका छुपा नहीं है अल्लाह कायन में सबसे बुरे शायद हम ही हैं हे क्रीम परवरदि मगर आप सबसे ज़्यादा अच्छे हैं और अच्छे बुरों के साथ अच्छाई का मामला करते हैं हे क्रीम परवरदिगार हम आपसे रहमत की उम्मीद रखते हैं अल्लाह माफ़ फरमा कर खुश होते हैं दे देख के खुश होते हैं क्रीम पर हम सब की गलतियों कमियों कोताइयों को, को माफ़ फरमा दीजिए अल्लाह हमें डर लगता है आपकी शान बे न्याजी की हवा से अल्लाह चाहे तो बलम बाऊर की अल्लाह जैसे इबादतों कुछ चेहरों पर दे मारा अल्लाह हमारे पास तो इबादतें रियात मशक्क़्क़्क़्कतें हैं भी नहीं करते जो चाहते हैं दिल में रखने रखते हैं। एक री वाला उसके बावजूद एक री वाला आपने हमें इज्जत दी हुई है अल्लाह करीम जो टूटी फूटी आपने हमें कोशिश और मेहनत करने की तोफ़ी दी करीम अब इसको बढ़ा चढ़ा के कबूल कर लेना अल्लाह करीम तेरे ख़जानों में कमी नहीं आएगी अल्लाह हमारी बिगड़ी बन जाएगी हमारा हाल छोटे से बच्चे की माने दे जो लाइने सफ़ों पर डाल के आ जाता है और कहता है कि देखो मम्मी मैंने कितनी अच्छी ड्राइंग की माँ भी उसको अप्रिशिएट करना शुरू कर देती है और उसे खूब प्यार करती है बल्कि उसे तोहफ़ा भी देती है उसे आइसक्रीम भी देती है चॉकलेट भी देती है और फिर लोगों को भी बताती है मेरे बच्चे ने बड़ी अच्छी ड्राइंग की अल्लाह हम आपसे उस माँ से भर कर उम्मीद रखते हैं और सत्तर माँ से ज़्यादा प्यार करते हैं अल्लाह टूटी पूटी कोशिश बेशक आपकी ही तोीक से हुई अल्लाह बाप उसको बढ़ा चढ़ा के कबूल भी कर लीजिए अल्लाह उसके बदले में अपनी रज़ा हमें गिफ्ट में दे दीजिए अल्लाह अपनी मोहब्बत दे दीजिए अल्लाह अल्लाम उसके बदले में इज़्ज़तें दे दीजिए खुशी और सुकून दे दीजिए अल्लाह आफियत और राहतें दे, दे दीजिए अल्लाह करीम हमें तनहा ना छोड़ देना अल्लाह बेसहारा ना करना अल्लाह हमें हमारे नफ्सों के हवाले ना करना Alla, हमें हमारी मर्जी के हवाले ना करना अल्लाह की कसम अब हम सारी ज़िंदगी अपनी मर्जी करते रहे अल्लाह करीम अब हम अपनी मर्जी नहीं करना चाहते अल्लाह हम अपने आप को तेरे हवाले करते अल्लाह हम चाहे ना चाहे हमारा दिल चाहे ना चाहे अल्लाह हमारे नफोस बिगड़े हुए अल्लाह शैतान को तो आप बंद कर देंगे अल्लाह ऐसा साबी से फिर भी नहीं सुनता फिर भी बातें बनाता है अजीब वो गरीब हालत है अल्लाह हमें बाप पेशानी के बालों से पकड़ पर हदायत पे लगा देना हदायत पे जमा देना अल्लाह करीम इज़्ज़तों के तख्तो अता फ़रमा देना अल्लाह ख़ैर और आफ़ियत वाली ज़िंदगी नसीब फरमा देना अल्लाह करीम आप हमें ऐसी जगह से अता फरमाना जहाँ से आपने अपने प्यारों को दिया अल्लाह अपने चाहने वालों को दिया अम्बिया को दिया अल्लाह करीम किसी इंसान को दुखी ना छोड़ना गमजदा ना छोड़ना बड़ी मोहब्बत से माएँ बहनें बेटियाँ बच्चियाँ बीवियाँ बैठती हैं शौक शौक़ और दर्द के साथ यह करीम परवरदिगार इनकी अल्लाह उठने से पहले पहला अल्लाह इनके दिलों की नेक तमन्नाएं हैं जायज़ ख्वाहिशात है अल्लाह इन्होंने बड़े इरादे मज़बूत किए हैं अल्लाह करीम इनके इन इरादों को अल्लाह कबूलो मकबूल फ़रमा लेना या करीम परवर सबकी ज़िंदगी में बरकत दे वक्त में बरकत दे सेहत में बरकत दे कामों में बरकत दे घरों की खुशियों में बरकतें देतों में बरकतें दे करीम ज़िंदगी में कभी भी तनहा ना छोड़ना बेसहारा न करना अल्लाह नफसो शैतान के हवाले न करना अल्लाह गारों के हवाले न करना या करीम परवर जहाँ जहाँ जो बीमार हैं उन्हें शिफाई का अमला मुस्तमला था फ़रमा दीजिए ये क्रीम परवरदि जो जिस दुख में कोई गम में है किसी का काम रुका हुआ है अटके हुए कामों का होना सामान फरमा दीजिए अल्लाह जिन जिन घरों में रिज्क रोटी के मसले हो गए अल्लाह हलाल पाकिज़ा तय रिज्ता फ़रमा दीजिए अ करीम ये कुरान मजीद के अंदर तमाम बातों का हल मौजूद है जैसे कल भी हमने पढ़ा अल्ला करीम हमें कस्रत के साथ इस्तफ़ारदी पढ़ के अल्लाम अपने मामलों को आसान करने की तोफीक नसीब फरमा दीजिए एक नीम जो माएँ बहनें बेटियाँ बच्चियाँ मुहब्बत शौक शौक़ से बैठती हैं करती हैं सुनती हैं दावत का काम करती हैं लोगों को आगे बताती हैं लेकिन इसका बदला हम नहीं दे सकते एक निम्परवर्दिगार उसको अपने ख़जाने से बेहतरीन नजर बतलाता है फरमा या करीम परवर दिया इतना दे दीजिए इतना दे दीजिए कि अल्लाह वो बस बस करे अल्लाह इनका दिल खुश और राज़ी हो जाए इनके घरों में अल्लाह आपस में मोहब्बत नसीब फरमा मियाँ बीवी की ज़िंदगी में खुशियाँ और सुकून नसीब फरमा घरों से झगड़ों को दूर कर दीजिए अल्लाह लड़ाइयों को दूर कर दीजिए अल्लाह मोहब्बतों की फ़िज़ा को आम कर दीजिए जिन घरों में औलादें नहीं अल्लाह उनको औलाद नरीना अता फ़रमा जो औलाद वाले अल्लाह सब की औलाद को नेक बना माँ बाप की आंखों की ठंडक और करार और सुकून नसीब फरमा या एक लम्हे के भी हमें तनहा ना छोड़ देना अल्लाह रदा ना कर देना या अल्लाह करीम हमें ज़ाया ना कर देना अल्लाह हमें धक्के ना दे देना या करीम परवरदिगार अल्लाह औलाद का दुख किसी माँ बाप को ना देना अल्लाह किसी माँ बाप को ना देना जिन घरों में जवान और वालमर बच्चे बच्ची हैं अल्लाह उनके नेक नसीबें कर दीजिए वक्त पे ख़ैर के फैसले फ़रमा दीजिए या अल्लाह सबकी औलादों में आगे से अल्लाह खुशियाँ रख लीजिए अल्लाह माँ बाप को जिंदगी में कभी भी अल्लाह कभी भी ओलाद का दुख ना दे देना अल्लाह ख़ास तौर पे माएँ का दुख एक ही रहता है उनका कोई और गम भी नहीं होता अल्लाह वो औलाद के दुख में ही पागल होती हैं एक करीम अल्लाह वो दीवानी हो जाती हैं अल्लाह अपनी सेहत का ख़्याल नहीं रखती अल्लाह सारी ज़िंदगी इस औलाद की खातर लगा देती है अल्ला करीम हमें हदायत दे कि हम अपनी औलाद की सही तालीम और तरबियत कर सकें अल्लाह इसमें आप हमारी पुश्तनाई नसीब फ़रमा दी मदद अतः फरमा दीजिए नहीं करीम अल्ला इसमें बरकत अतार फरमा दीजिए जो कमियाँ कोताहियाँ होगी उसको माफ़ कर दीजिए आइंदा आने वाली नस्ल में ईमान की हफाजत कर दीजिए अल्लाह दुनिया में भी कोई गिरेबान पकड़ने वाला ना हो अल्लाह आखरत में तो अल्लाह कोई गिरेबान पकड़ने वाला ना हो अल्लाह करिए अगर कोई पकड़ने वाला आ गया तो फिर अल्लाह बचना बहुत मुश्किल है अल्लाह दुनिया में मामला को रफा दफ़ा करने की तोफ़ी दे दीजिए अल्लाह जब वीकेंड आ रहा है या वक्त आ रहा है अल्लाह इसमें जहाँ जहाँ मुलाकात बातचीत है अल्लाह हमने अपने कामों को समेटना है अब मुलाकात चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता जो है कम कर देनी है अल्लाह करीम जो भी भीजीज़ रिश्तेदार है हैं या मुलाकातें अल्लाह करीम एक दूसरे से माफ़ी मांगने की तोफ़ी दे दीजिए अल्लाह करीम यकीन परवरदिगार हमें हकूक अल और सही तरीके से अदा करने की तोफ़ी नसीब फरमा अल्लाह इस वक्त जिस जिसके दिल में जो दुआ है तवन्ना है आरज़ू है उठने से पहले पहले सबकी नेकज शरी दुआओं को कबूल फरमा जहाँ जहाँ अल्लाह ये प्रोग्राम हो रहा है अल्लाह उनकी तमाम नेक जाय शरी दुआओं को कबूल फ़रमा अल्लाह जो मसाजिद हैं अ ने की तकवालत के ऊपर आबाद फरमा चलाने वालों को जज़ाय ख़ैर फरमा अल्लाह उनकी जो ज़रूरियात गाबी इसबाब से पूरा फरमा या अल्लाह क़रीम जो मांगा वो भी अता फ़रमा जो ना मांग सके वो भी वीता फ़रमा अब ना तकब्बल मन्ना कंत समली न तो बाली ना नंत तबाही तैरी मोहम्मद माली वसाबी अजमा भी राहमति कया يا رب العالمين या يا رب العالمين कल इंशाल्लाह सिर्फ़ वन एंड हाफ़ आवर या मैक्सिमम थोड़ा टाइम ऊपर हो सकता है तो उस इतनी देर की वर्कशॉप होगी अल्लाह ताली राजी जज़ाकन ख़ैन हसन अल जज़ायफ़ान बाकी सब लोगों को इनरोल जैसे करना पड़ेगा अल्लाह तजी अल्लाम वरम वर्क अल्लाह तुम्हारी तबाइल ती हो इंशाल्लाह लजीज़ आप बच्ची हाँ जो जितने लोग सुन रहे हैं आप लोगों को पता है कि इंशाल्लाह कल तजवीज़ की वर्कशॉप होगी तो आप लोग उसके लिए जो आपके पास फ्लायर आया उसके ऊपर एक फॉर्म दिया हुआ है उस फॉर्म के अंदर जो है आप लोग फिलिंग करेंगे तो फिर आपको वो कोड मिलेगा इस तरह से ओपन ही होगा इन शाला तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा आपके पास जहन में जो सवाल हैं तो हमारी बच्ची जो है कोऑर्डिनेटर एक आके आपको सवाल का जवाब दे देती है इनशा लज़ीज़ तमाम बच्चियों को फिर इनशाला पता चल जाएगा कि आप लोगों का एक फ़ॉर्म है जो आपको भेजा जा रहा है जैनम सेंटर की उसमें से उसको आप फिल कर देंगे तो कल आपको कोड मिल जाएगा एलेवन ओ क्लाक वन एंड हाफ आवर के लिए आप लोगों की फिर वर्कशॉप हो जाएगी إن شاء الله تزاكن الآخرين.